भाई पुलिस वाला बना पैसा कमाने को, रॉबिन हुड बन के दूसरे का मदद करने के लिए नहीं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फिसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-11-2356 पर कॉल करें या मिस कॉल दें 01-22-901-701 पर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मूवी के रिकॉर्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है सिम्बा। तो दोस्तों ये फिल्म कौन सी है और आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम देंगे। तो दोस्तों अगर आप भी रणबीर सिंह के फैन हो और सिम्बा फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो और साथ ही साथ इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी फिल्म के ऊपर बात करेंगे, बतलाएंगे इस फिल्म ने इंडियन सिनेमा की बॉक्स ऑफिस पे कितनी कमाई की थी, साथ ही साथ इस फिल्म को बनाने में कितने पैसे खर्च हुए थे और इस फिल्म में काम करने वाले मुख्य स्टार कास्ट को कितने पैसे दिए गए थे। साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म की कहानी को पूरा यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, कहानी कैसी लिखी गई थी इसके बारे में हम बात करेंगे और फिल्म को कहाँ कहाँ पे शूट किया गया था इसके बारे में भी हम बतलाएंगे और वीडियो के अंत में हम बतलाएंगे कि ये फिल्म आपको कहाँ पे देखने को मिल जाएगा अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों बगैर देरी के आज की मूवी रिव्यू को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए। तो चलिए दोस्तों अब यहां से बात करते हैं सिम्बा फिल्म के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के रिलीज डेट के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को 27 दिसंबर 2018 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और रिलीज होने के बाद फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिली थी। दोस्तों वहीं पर हम बात कर ले सिम्बा मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दोस्तों सिम्बा फिल्म को बनाने में 80 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और बात कर ले इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों इस फिल्म ने 400 करोड़ से अधिक की कमाई किया था और ये फिल्म साल 2018 की सबसे अधिक कमाई करने वाली तीसरी फिल्म बन गई थी। इसी के साथ चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं फिल्म के मुख्य स्टार कास्ट के बारे में। तो दोस्तों इस फिल्म में रणबीर सिंह के साथ सोनू सूद और सारा अली खान इस फिल्म में अभिनय करते हुए नजर आई थी। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं सिम्बा फिल्म के डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर के बारे में। तो दोस्तों बात कर ले फिल्म के डायरेक्टर के बारे में, तो रोहित शेट्टी सर ने फिल्म को डायरेक्ट किया और फिल्म की कहानी लेखक के बारे में हम बात कर ले तो साजिद सामजी सर ने फिल्म की कहानी को लिखे है। दोस्तों इसी के साथ बात कर ले फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में, तो हीरो यश जौहर, रोहित शेट्टी, अपूर्वा मेहता, करण जौहर ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस किए थे। दोस्तों बात कर ले फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में, तो इस मूवी को रिलायंस एंटरटेनमेंट एंड धर्मा प्रोडक्शन एंड रोहित शेट्टी पिक्चर के बैनर तहत इस फिल्म को बनाया गया था और फिल्म को 27 दिसंबर 2018 को रिलीज किया गया था और ये फिल्म 400 करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली मूवी बन गई है। यहाँ फ्रेंड्स आपने सही सुना। दोस्तों बात कर ले रणबीर सिंह के बारे में, तो इस फिल्म में इंस्पेक्टर संग्राम भाले राव के रूप में अभिनय करते हुए नजर आए हैं। दोस्तों बात कर ले सोनू सूद के बारे में, तो दुर्वा के रूप में इस फिल्म में अभिनय करते हुए नजर आए हैं। सारा अली खान के बारे में हम बात कर ले तो शगुन के रूप में इस फिल्म में अभिनय करते हुए नजर आई हैं। आशुतोष राणा इस फिल्म में हेड कांस्टेबल नित्यानंद के रूप में फिल्म में अभिनय करते हुए नजर आए हैं। सिद्धार्थ जाधव के बारे में हम बात कर ले तो सब इंस्पेक्टर के रूप में इस फिल्म में अभिनय करते हुए नजर आए हैं। हाँ फ्रेंड्स आपने सही सुना। इसी तरह बता दें दोस्तों सिम्बा फिल्म साल 2018 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इस फिल्म को रोहित शेट्टी धारा, यूनुस सजवाल धारा और साजिद फरहाद धारा मूवी को लिखित की गई पटकथा से निर्देशित की गई है। शेट्टी की कोप वर्ष फिल्म फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त है, जो फिल्म का निर्माण शेट्टी और रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा पूर्वा के बैनर रोहित शेट्टी पिक्चर के साथ साथ जो है करण जौहर, हीरो यश जौहर और अपूर्वा मेहता द्वारा धर्मा प्रोडक्शन के माध्यम से किया गया था। दोस्तों इस फिल्म में रणबीर सिंह, सोनू सूद और सारा अली खान अभिनय करते हुए नजर आए हैं। इसमें अजय देवगन ने बाजीराव सिंघम की भूमिका इस फिल्म में निभाई है और एक कैमियो भूमिका में इनको देखा गया है मूवी के अंदर। इसी तरह दोस्तों साल 2015 की तेलुगु भाषा की फिल्म टेम्पर मूवी के रिमेक ये फिल्म बनाई गई है।
ये फिल्म संग्राम सिम्बा भाले राव का अनुसरण करती है, जो सिंघम के शहर के एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी है, जो अपने आसपास के लोगों पर तरसादी के बाद जो है अधिक धर्मी मार्ग का नेतृत्व करने के लिए मजबूर होते हैं। इसके अलावा दोस्तों फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी के बारे में हम बात कर ले तो जून 2018 में गोवा और कोल्हापुर में फिल्माए गए थे। अधिकांश दृश्यों के बारे में हम बात कर ले तो इस फिल्म के साथ शुरू हुई थी, बाकी की शूटिंग हैदराबाद और मुंबई के महबूब स्टूडियो में किया गया था। और बता दे दोस्तों फिल्म को उसी साल दिसंबर की शुरुआत में शूटिंग पूरी कर ली गई थी। दोस्तों फिल्म की शूटिंग समाप्त होने के बाद सितंबर 27 दिसंबर 2018 को गल्फ ऑपरेशन फाउंडेशन के देशों में रिलीज हुई थी और फिल्म को अगले दिन भारत और अन्य अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रों में रिलीज किया गया था। इसे रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा दुनिया भर में वितरित किया गया था। फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली थी, लेकिन 2018 तक हिंसक के साथ जो है रणवीर सिंह की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी और दुनिया भर में लगभग जो है 400 करोड़ से अधिक की कमाई किया था और इसे ऑस्ट्रेलिया टेल स्टार के साथ पिक्चर के साथ वाइज अवार्ड मिला था। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। तो दोस्तों फिल्म की कहानी संग्राम सिम्बा से स्टार्ट होता है। भाले राव शिवगढ़ का एक वीर अनाथ बच्चा है, वही शहर जहां पे बाजीराव सिंघम का पालन पोषण हुआ था, जहां उसे देखते हैं कि कैसे पुलिस कर्मी रिश्वत के रूप में पैसा कमाते हैं, खुद को पुलिस अधिकारी बनने के लिए प्रेरित करते हैं और सफल होते हैं इस काम में। कुछ स्थानीय चोरों और एक जो है जौहर से रिश्वत लेते हुए सिम्बा एक ब्रज पुलिस वाले की जीवन शैली का आनंद लेता है और उसका पूरा फायदा भी उठाता है। इसके बाद दोस्तों सिम्बा को जल्द ही गृह मंत्री विनायक दत्ता द्वारा गोवा के मीरा नगर पुलिस में भेज जाता है। मीरामार पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित किया जाता है, जहां पे वह शगुन साठी को देखता है और पहली नजर में उससे प्यार करता है। दोस्तों आपको बता दें अपने साथी पुलिस कर्मियों से मिलता है और उसका एक जूनियर नित्यानंद मोहिले जो एक ईमानदार कॉन्स्टेबल है सिम्बा को सलाम करने से हिचकिचाता है क्योंकि वह एक ब्रज पुलिस वाला है। दोस्तों अब सिम्बा को जल्द ही गृह मंत्री विनायक दत्ता द्वारा गोवा के मीरामार पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां वह शगुन साठी को देखता है और पहली नजर में उससे प्यार कर लेता है। उससे प्यार हो जाता है उसको, वह अपने साथी पुलिस कर्मियों से मिलता है और उसका एक जूनियर नित्य मोहिले जो एक ईमानदार कॉन्स्टेबल है सिम्बा को सलाम करने से हिचकिचाता है क्योंकि वह एक ब्रज पुलिस वाला है। मीरामार में अपनी योग्यता साबित करने के लिए वह दुर्वा यशवंत रनाटे के भाइयों के साथ सदाशिव सदा रनाटे और गौरव गिरी के साथ जो है नामक एक प्रभावशाली गैंगस्टर द्वारा संचालित किए गए एक पब पार्टी में बाधा डालता है और उनसे अधिक पैसे की मांग करता है, जबकि वादा करता है कि वह उन्हें जारी रखने देगा और उनकी अवैध जो है गतिविधियों को चलने देगा। इसके अलावा दुर्वा इस बात से सहमत हो जाता है सिम्बा का उपयोग जो है वामन राव नामक एक बूढ़े व्यक्ति की भूमिका को मुक्त करने के लिए करता है। इसे सिम्बा द्वारा आपको बतला दे कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जाता है। दोस्तों जबरन एक बूढ़े आदमी से हस्तक्षेप करवा लेता है सिम्बा। इसी बीच सिम्बा कई जो है महिलाओं और लड़कियों के साथ जो है मातृ और बहन के बंधन को विकसित कर लेता है। तो फिल्म के अंदर सिम्बा को अनाथ बताया गया है, जिसकी वजह से सिम्बा जो है अपने आप में एक रिश्ता बनाना चाहता है। सिम्बा कई महिलाओं और लड़कियों के साथ मातृ और बहन के बंधन को विकसित करती है, जिसमें जो है एक आकृति दवे होती है जो एक युवा महिला है जो सिम्बा को अपने शिक्षक की याद दिलाती है। आकृति ने सदा और गिरी के खिलाफ अपने पब में अवैध ड्रग का कारोबार करने और साथ ही साथ दोस्तों बच्चों को पेलर के रूप में इस्तेमाल करने के लिए शिकायत दर्ज की। दुर्वा धारा शांत किए जाने के बाद सिम्बा शुरू में इस पर ध्यान नहीं देता और इसी बीच जो है शगुन को उससे प्यार हो जाता है। दोस्तों सिम्बा का करियर तब बदलता है जब शगुन से उसको प्यार हो जाता है। दोस्तों शगुन से प्यार होने के बाद क्या होता है इसके बारे में हम इसी वीडियो में बतलाएंगे, तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बन रहिएगा। दोस्तों इसके बाद जो फिल्म में बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं जो आपने नहीं सुनी होगी। दोस्तों अगर आप इस फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो प्लीज आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इन अपराधों को सफलतापूर्वक जो है न्यायालय की धारा 7 वर्ष के कठोर जो है कारावास की सजा सुनाई जाती है। दोस्तों सिम्बा ध्यान नहीं देता है आकृति की शिकायत के ऊपर। आकृति को क्लब में ड्रग रैकेट के बारे में पता चलता है और एक रात छोटू के साथ वहां जाती है जो एक मूक लड़का है।
जो उसका छात्र है वहाँ पे पुलिस को सबूत दिखाने के लिए अपने सेल फोन से वहाँ सब कुछ वीडियो टेप करती है, लेकिन सदा और गिरी धारा पकड़ लिए जाते हैं। छोटू चतुराई से सदा और गिरी को आकृति पर हमला करते हुए रिकॉर्ड कर लेता है वीडियो को और दोनों को पता चलने पर वह वहाँ से भाग निकलते हैं। आकृति को सदा और गिरी ने बेरहमी से मार डाला था। छोटू आकृति की दोस्त यानी काव्या को आकृति के खतरे में होने के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। दुर्वा के गुंडों धारा काव्या का पीछा करते हुए आकृति की आपको बता दें गुमशुद गाय की शिकायत दर्ज करने के लिए सिम्बा जाता है। आकृति जो है अस्पताल में घायल पाई जाती है। सिम्बा उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वह मर जाती है जिससे वह तबाह हो जाता है। पुलिस आकृति का फोन आते हैं, उसके द्वारा शूट किए गए वीडियो को बरामद कर लिए जाते हैं और दुर्वा अपने गुंडों को सिम्बा से फोन लेने के लिए भेजता है जो वहाँ मौजूद है। अपने तरीके के साथ जो है यानी कि सुधारता है और उन सभी से लड़ता है। सिम्बा अंत में अपनी जो है पुलिस की वर्दी पहनता है और उसमें इसी बदलाव को देखकर मोहिले आखिरकार उसे सलाम करता है क्योंकि वह सदा और गिरी को गिरफ्तार करते हैं। वह बामन राव से माफ़ी मांगता है और उससे आपको बताया ठगी गई ज़मीन लौटा देता है। कोर्ट में आकृति का वीडियो डिलीट होते देख सिम्बा हैरान रह जाता है और वह दुर्वा के दोस्त जो है पार्षद के साथ डेविड कैमरिन के साथ पिटाई करता है जिसने अदालत में झूठा बयान दिया था जिसके कारण उसे निलंबन के आदेश दिए गए थे। जाने से पहले सदा और गिरी को मारने का फैसला करता है और इसे एक मुठभेड़ के रूप में दिखाने की योजना बनाता है। वह उन दोनों को गोली मारता है और ये दिखाई देते हैं जैसे उसने आत्मरक्षा के कार्य में उन्हें मार डाला था। सिम्बा के एनकाउंटर पर सवाल उठाने वाली राज्य की ओर से एक जो है SIT कमेटी का गठन किया जाता है। स्थिति में स्पष्टता के कारण हासिल करने के उद्देश्य से विनायक आकृति के मामले को संभालने के लिए एक जो है कि तथा स्तर के साथ अधिकारी की नियुक्ति करते हैं और साथ ही साथ सिम्बा की विवाद सब मुठभेड़ भी करते हैं। दोस्तों क्रोधित होकर दुर्वा उसके गुंडे ने सिम्बा को पकड़ लिया। अचानक जो है DCP बाजीराव सिंघम उसे बचाने पहुंच जाते हैं और दोनों ने दुर्वा और उसके आदमियों की पिटाई कर दी। सिंघम सिम्बा को बताते हैं कि वह अपने मामले को संभालने के लिए राज्य समीज धारा नियुक्त जो है कि तत् स्टर्ट के साथ अधिकारी है और एक बयान देते हैं कि सिम्बा ने आत्मरक्षा के कार्य में सदाशिव और गौरव को मार डाला। वह दुर्वा की माँ भारती और पत्नी जो है वर्षा को भी बुलाते हैं और दो यानी कि जो प्रत्येक कहते हैं कि ये सदा और गिरी थे जिन्होंने आकृति पर हमला किया था और भाइयों ने एक ड्रग रैकेट और कई जो अन्य यानी कि अवैध गतिविधियां चलाए थे। यहाँ फ्रेंड्स आपने सही सुना। तो दोस्तों इसी तरह फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाए गए हैं। दोस्तों इन अपराधों के सफलतापूर्वक जो है यानी कि दुर्वा और न्यायालय धारा 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई जाती है। सिंघम ने खुलासा किया कि उसने अपने भ्रष्ट कार्यों के खिलाफ होने के बावजूद सिम्बा की मदद की ताकि वह उन पुरुषों के मन में कानून डर पैदा कर सके जो महिलाओं का मान नहीं करते हैं। जबकि सिंघम मीरामार पुलिस स्टेशन से निकल जाते हैं तो वह DCP वीर सूर्यवंशी से फ़ोन पर बात करते हैं और आपको बता दें ATS प्रमुख के रूप में उनके नए पद पर उन्हें बधाई भी देते हैं और सूर्यवंशी उससे कहते हैं कि वह जल्द ही उनसे मिलेंगे। दोस्तों आगे बतला दें ये तेलुगु भाषा की फिल्म टेंपर मूवी 2015 की रिमेक बनाई गई है। सिटी ने कहा था कि हम टेंपर मूवी से 4-5 दृश्यों लेना चाहते थे लेकिन सोचा कि अधिकारी खरीदना बेहतर होगा। फिल्म का अनुमानित जो है उत्पादन बजट 80 करोड़ बतलाई गई है जो USD में कन्वर्ट की जाए तो 10 मिलियन बतलाए गए हैं। सिम्बा के लिए प्रधान फोटोग्राफी जून 2018 में शुरू हुई थी और ये फिल्म मुख्य रूप से गोवा और कोल्हापुर में फिल्माया गया था। हैदराबाद में कुछ जो है फिल्मांकन और मुंबई के महबूब स्टूडियो में अतिरिक्त दृश्यों को फिल्माया गया जो 29 जून 2018 को छलक दल ने हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में सिम्बा आला गीत को फिल्माया था और इंस्टाग्राम पर रणबीर सिंह ने बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन को नोट किया और कहा था कि ये उनके करियर का सबसे बड़ा गाना था। अब बताएं दोस्तों खान की पहली फिल्म जो है केदारनाथ के निर्माण के आसपास के कानूनी मुद्दों ने सिम्बा फिल्म के उत्पादन में हस्तक्षेप किया था जहां पे खान जो है लगभग एक ही समय में 2 फिल्मों की शूटिंग करने वाले थे। एक जो है मुकदमे ने और आपको बताया केदारनाथ के निर्माण को बंद कर दिया गया और अभिनेता खान सिम्बा पर काम करने के लिए समय जो है यानी कि आवंटित किया गया। केदारनाथ मूवी के
निर्देशक के साथ जो अभिषेक कपूर ने खान पर मुकदमा दायर किया था, क्योंकि उनकी फिल्म में देरी होगी और ये मूवी अब खान की शुरुआत नहीं होगी। जब खान ने दोनों फिल्मों के बीच जो है अपना समय बांटने के लिए सहमति व्यक्त की थी तो दोनों ही अदालत से बाहर हो गए थे। अब अक्टूबर 2018 में मुख्य अभिनेता सिंह और खान फिल्म के लिए एक गाने की सीक्वेंस को फिल्माने के लिए आपको बता स्विट्जरलैंड गए थे, जहाँ पे रवाना हुए। और अक्टूबर के अंत तक दल एक दूसरे के गीत आंख मारे की शूटिंग के खिलाफ जो है कि मुंबई और आपको बता दें आया था, जो 90 के दशक के एक जो है क्लासिक गीत का रिमेक बनाया गया था। यहाँ फ्रेंड्स आपने सही सुना। इसके अलावा दोस्तों फिल्म के बारे में हम बात करें तो फिल्म को 27 दिसंबर 2018 को खाली संयुक्त परिषद के देशों में सिम्बा फिल्म को जारी किया गया था। इसे भारत और अन्य देशों में 28 दिसंबर को जारी किया गया था। इसे भारत में 4020 स्क्रीन पर और विदेशों में 963 स्क्रीनों पर दिखाया गया था। विश्वव्यापी स्क्रीन के लिए कुल जो है मिला के 4983 स्क्रीन हुए थे और 6 जून 2018 को निर्माता ने अभिनेता सिंह और खान द्वारा जो है निर्देशित किए गए शेट्टी निर्माता जौहर की एक एनके स्ट्रीट वीडियो के साथ प्रमुख फोटोग्राफी शुरुआत की घोषणा की, जो 6 दिसंबर 2018 को फिल्म का पहला गाना आंख मारे शीर्षक से जारी किया गया था। 1996 की हिट फिल्म तेरे मेरे सपने मूल गीत का रिमेक था, जो इसे कुमार सानू जिन्होंने कविता कृष्णा मूर्ति के साथ मूल भी गाए थे और इस फिल्म का मिक्का सिंह और नेहा कक्कड़ ने इस फिल्म के गाने को दोबारा गाए हैं। अभिनेता अरशद वारसी जिनकी फिल्म और गीत की शुरुआत मूल के साथ ही सिम्बा रिमेक मूवी के लिए वीडियो में फिर से दिखाई दिए थे। साथ ही दोस्तों आपको बता दें निर्देशन रोहित शेट्टी की एक अन्य फिल्म कई जो है अभिनेताओं के साथ जो है गोलामार कुणाल खेमू के साथ जो है सुरेश तलपरे और तुषार कपूर रिमेक के लिए रिलीज की तारीख को विशेष रूप से मूल 22 साल पहले 6 दिसंबर 1996 की रिलीज की तारीख के साथ मेल खाने के लिए चुना गया था। इसके अलावा आपको बता दें खलीज टाइम की अंबिका सिंह ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए और संक्षेप में कहा, यदि आप पूरी तरह से मसाला पैसा वसूल फिल्म की तलाश में है तो साल के अंत में हम आपको सिम्बा फिल्म देखने की सलाह देते हैं। इसके अलावा मेरो ड्रामेटिक और द टॉप के लिए फिल्म जो है निश्चित रूप से आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगी। बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने इसे 5 में से 4 सितारों के साथ विजय घोषित करते हुए लिखा है, रोहित ने टेंपर मूवी से सार यानी कि उधार लिए थे लेकिन उसी फिल्म के एक बड़े हिस्से को संशोधित करते हैं। अंत तक स्क्रीन पर आपको बता दे सामने आते हैं और बहुत अलग हो जाते हैं। एक में सकारात्मक तरीका और बिजनेस टुडे की और आपको बता दे अन्वेषा जुहैन की मधु काल्या ने लिखा है कि यह वास्तव में युवा स्टार के प्रशंसकों के लिए खुशी का समय है, क्योंकि सिम्बा ने बड़ी लीग में रणबीर सिंह के आने की घोषणा की थी फिल्म के अंदर। इसके अलावा दोस्तों फिल्म को टाइम्स ऑफ इंडिया के तरफ से लिखे गए रौनक कोटेचा ने इसे 5 में से 3.5 सितारों का दर्जा दिया और फिल्म को एक ऐसा पोर्ट बॉयलर कहा जिसकी आप उम्मीद करते हैं, जहां अच्छा निश्चित रूप से बुरे से अधिक हो जाते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस टाइम के सुपर्णो सरकार ने भी इसे 5 में से 3.5 स्टार देते हुए लिखा, सिम्बा एक पूर्ण मसाला एंटरटेनर फिल्म है जो अच्छे संवाद और हास्य दिल को छू लेने वाली भावनाओं और उच्च जो है की ऑक्टेन एक्शन से भरी हुई है। इसमें तर्क का अभाव यह है कि विभिन्न स्तरों पर लेकिन जो है मनोरंजन करना कभी भी बंद नहीं करता है। द इकोनॉमिक टाइम के एक आलोचक ने आपको बता दें सहमति व्यक्त की है कि इसे 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग दिए जाए, लेकिन आपको बता दें महसूस किया गया कि ये फिल्म दूसरे हाफ में एक यानी कि उपेश दशमक और आपको बता दें मोड़ लेती है कथा का अनुमान भी लगाया जा सकता है। इसी तरह फिल्म को हिंदुस्तान टाइम के लिए लेखक राजा सेन ने फिल्म को 5 में से 3 सितारों का मूल्यांकन किया और ये लिखते हुए कि ये मूवी खड़ी है जहाँ पे सिम्बा न केवल सिंघम से आगे बढ़ जाता है बल्कि दबंग से भी कई बेहतर मूवी है, जो कि शैली को परिभाषित करने वाली ब्लॉकबस्टर मूवी है। दोस्तों इसके अलावा उन्होंने इसी भूमिका में लाई गई ऊर्जा के लिए सिंह की सराहना की लेकिन पाया कि अभिनेता खान अपनी भूमिका से प्रतिबंध थे। न्यूज 18 के राजीव मंचद ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिए। पहले 6 माही को एक जो है छिटपुट रूप से मनोरंजन कॉमेडी के रूप में पाया लेकिन दूसरे 6 माही को कम जो है आनंद नायक बताया था और फिल्म जो है वांछित होने के लिए बहुत कुछ छोड़ देती है लेकिन एक तारे का पुनर्जीवित होते हैं, जहाँ पे मिंड के उदय भाटिया ने मंसद के साथ जो है सहमति व्यक्त की है लेकिन सिंह को इस फिल्म के लिए और आपको बता दें अंतर्निहित मिठास के साथ एक चित्रित के लिए कार्डबोर्ड के साथ निर्माण को निभाने के लिए श्रेय दिया गया था, जो इसे अजय देवगन के सिंघम मूवी के विनोद जो है मर्दानगी से अधिक आकर्षण बना देती है। इसी के साथ दोस्तों वीडियो में हम बात कर ले मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में,
तो बॉलीवुड हंगामा प्रस्तुत किए गए फिल्म के शुरुआती हफ्ते के लिए बॉक्स ऑफिस संग्रह के आंकड़े हैं। पहले दिन इस फिल्म ने 20.72 करोड़ की कमाई की, जिसने इसे 2018 तक रणबीर सिंह की सबसे ज्यादा ओपनिंग वाली फिल्म बन गया था। दूसरे फिल्म ने 23 करोड़ से अधिक की कमाई किया था और तीसरे दिन फिल्म ने 31 करोड़ से अधिक की कमाई कर लिया था। इसी तरह दोस्तों फिल्म ने एक हफ्ते में 75.11 करोड़ से अधिक की कमाई इस फिल्म ने किया था। इसी तरह दोस्तों बात कर ले फिल्म के दूसरे हफ्ते की इनकम के बारे में, तो 8वें दिन घरेलू संग्रह में फिल्म ने 9.2 करोड़ से अधिक की कमाई किया था। 9वें दिन फिल्म ने 13 करोड़ से अधिक की कमाई किया था और आपको बता दें 7वें दिन फिल्म ने 70.49 करोड़ से अधिक की कमाई कर लिया था। इसी तरह दोस्तों फिल्म ने घरेलू संग्रह पे 308 करोड़ से अधिक की कमाई किया था। रोहित शेट्टी की सबसे बड़ी हिट मूवी बन गई क्योंकि इसने चेन्नई एक्सप्रेस मूवी के आजीवन जो है व्यवसाय को पीछे छोड़ दिया। बॉलीवुड हंगामा के अनुमान के अनुसार फिल्म ने विदेशी बाजार में 92.10 करोड़ से अधिक की कमाई किया था, जो यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 12 मिलियन की कमाई की। दुनिया भर में सकल संग्रह 400 करोड़ से अधिक बतलाई गई है, जो यूएसए में कन्वर्ट किया जाए तो 50 मिलियन से अधिक की कमाई किया है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस मूवी को फुल हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे, मूवी की कहानी को यहाँ पे एनालिसिस करेंगे और इस फिल्म से जुड़े काफी रोमांटिक फैक्ट को बताएंगे। तो दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। रचित किया गया था जिसके बोल शबीर अहमद एंसाती, रश्मि बिरान कुमार और कुणाल वर्मा ने लिखे थे। इन फिल्म के साउंड आर्ट में 1986 के 2 गीतों का रिमेक बनाया गया है, आंख मारे एन मूल रूप से फिल्म तेरे मेरे सपने और साथ ही उनके साजो नुसरत फतेह अली खान धारा कव्वाली गीत भी तेरे बिन इस मूवीज में रखी गई है। दोस्तों सिम्बा फिल्म को 27 दिसंबर 2018 को गल्फ में रिलीज किया गया था। फिल्म की काउंसिल के देशों में सिम्बा को रिलीज किया गया था। फिल्म को अगले दिन भारत और अन्य अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रों में रिलीज किया गया था और इसे रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा दुनिया भर में वितरित किया गया था और फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली। लेकिन फिल्म को 2018 तक की यानी कि रणबीर सिंह की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और दुनिया भर में फिल्म ने 400 करोड़ की कमाई की है और बाद में इसे ऑस्ट्रेलिया में यानी कि टेल स्टार के साथ जो है पीपल चैल के साथ फिल्म को रिलीज किया गया था। तो ये मूवी तेलुगु भाषा की फिल्म टेम्पर मूवी 2015 की रिमेक बनाई गई है, क्योंकि शेट्टी ने कहा था कि हम टेम्पर से 4-5 दृश्यों लेना चाहते थे लेकिन सोचा कि उनकी आधिकारिक बहन की खरीदान बेहतर लगी है। दोस्तों फिल्म का अनुमानित जो उत्पादन बजट जो 80 करोड़ बताया गया है, जो यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 10 मिलियन की बजट पे फिल्म को बनाया गया था। दोस्तों सिम्बा के लिए प्रधान फोटोग्राफी जून 2018 में शुरू हुई थी और यह मुख्य रूप से गोवा और साथ ही कोल्हापुर में फिल्माया गया था। हैदराबाद में कुछ फिल्मांकन एंड साथ ही मुंबई में महबूब स्टूडियो में अतिरिक्त जो है दृश्यों को फिल्माया गया था। 29 जून 2018 को चालक दल ने हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में सिम्बा मूवी के लिए आला रे आला गाना के लिए इन सिम्बा आला गीत को फिल्माया था। दोस्तों इंस्टाग्राम पर रणबीर सिंह ने बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन को नोट किया था और कहा था कि यह उनके करियर का यानी कि सबसे बड़ा गाना हो सकता था। दोस्तों ये मूवी खान की पहली फिल्म जो है केदारनाथ के निर्माण के आसपास के कानूनी मुद्दे में सिम्बा फिल्म के उत्पादन में यानी कि हस्तक्षेप किया गया था और खान लगभग एक ही यानी कि समय में दोनों फिल्मों की शूटिंग करने वाले थे। एक यानी कि मुकदमे में और साथ ही केदारनाथ के निर्माण को बंद कर दिया गया था और खान ने सिम्बा पर काम करने के लिए समय यानी कि आवंटित किया था और केदारनाथ के अवसाती निर्देशक जो है अभिषेक कपूर ने खान पर जो है मुकदमा दायर किया था क्योंकि ये मूवी उनकी फिल्म में देरी होगी और यह अब यानी कि खान की शुरुआत नहीं होगी। जब खान ने दोनों फिल्मों के बीच जो है अपना समय बांटने के लिए सहमति व्यक्त की तो दोनों अदालत से बाहर हो गए थे। अब अक्टूबर 2018 में मुख्य अभिनेता रणबीर सिंह और साथ ही खान की फिल्म के लिए एक गाने के सीक्वेंस को फिल्म के लिए एक जो है कि स्विट्जरलैंड के लिए रवाना किया गया था, जो अक्टूबर के अंत तक जो है दल एक दूसरे गीत जो है आंख मारे को फिल्माने के लिए मुंबई लौट आए थे, जो 90 के दशक के लिए एक जो है यानी कि क्लासिक गीत का रिमेक बनाया गया था। क्योंकि दोस्तों रणबीर सिंह की शादी नवंबर 2018 में होनी थी, जो शेट्टी ने शादी की तारीख से पहले ज़्यादातर प्रमुख दृश्यों की शूटिंग की और शादी के बाद केवल जो है अंतिम दृश्य फिल्माया गया था जहाँ पर जाना बाकी था। गोवा में एक जो है ढाबा लड़ाई के दृश्य के पैच वर्क को पूरा करने के लिए रणबीर
फिशिंग के लिए एक जो है डबल का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि विभिन्न एन साथी कैमरा कोनों का उपयोग किया गया था ताकि डबल सिंह के सामने वो आ सके। दोस्तों दिसंबर 2018 की शुरुआत में फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली गई थी और 2018 में फिल्म को जब रिलीज किया गया सिनेमाघरों में तो रिलीज होने के बाद फिल्म को अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। तो दोस्तों आई होप कि आज के वीडियो आप लोग को जरूर पसंद आएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बता रहे हैं, तो वीडियो काफी मजेदार है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों सिम्बा फिल्म के जितने भी गाने हैं तनिष्क बागची द्वारा रिलीज किए गए हैं, जो कि लिजो जॉर्ज एंड साथ ही डीजे चेतस के साथ फिल्म के गाने को बनाया गया था, जो 27 दिसंबर 2018 को जारी किया गया था। फिल्म के गीत आंख मारे 1986 की मूवी फिल्म तेरे मेरे सपने के गीत से लिया गया था। आंख मारे का रीमेक मूवी है, जो कि मूल रूप से बीजू शाहधारा रचित की गई है और आनंद बख्शी द्वारा लिखित की गई थी। कुमार शानू और कविता कृष्णमूर्ति द्वारा फिल्म को गाने को गाया गया है और अरशद वारसी और साथी जो है सिमरन पर चित्रित किया गया है। वारसी सिम्बा संस्करण के संगीत वीडियो में शानू की आवाज के साथ एक कैमियो उपस्थिति बनाते हैं। तनिष्क बागची, एस थमन और साथी चंजन जो है सक्सेना धारा पूनियन की प्रस्तुत जो है संगीत के साथ गाने को फिल्म के लिए फिर से बनाया गया था, जो गीत तेरे बिन यानी कि नुसरत फतेह अली खान के 1986 के कव्वाले गीत तेरे बिन नहीं यानी कि लगदा का एक मनोरंजन है। यह दूसरी बार है जबकि गीत को 1999 की फिल्म जो है कच्चे धागे के बाद जो है फिर से बनाया जा रहा है, जिसका शीर्षक था तेरे बिन नहीं जीना, जिसे यानी कि तेरे बिन नहीं जीना यानी कि जिसे यानी कि लता मंगेशकर ने गाया था और रीमेक को उनके भतीजे राहत यानी फतेह अली खान ने और साथ ही आशीष कौर ने इस फिल्म के गाने को गाया है। दोस्तों फिल्म को 27 दिसंबर 2018 को खाड़े सहयोग एन परिषद के देशों में सिम्बा जारी किया गया था, जहां पे इसे भारत और अन्य देशों में 28 दिसंबर को जारी किया गया था और इसे भारत में 4020 स्क्रीन पे रिलीज किए गए थे, जहां पे 963 स्क्रीन पर दिखलाया गया था। इन विश्वव्यापी स्क्रीन के लिए कुल जो है 4983 स्क्रीन इस फिल्म को मिले थे। दोस्तों मूवी को 6 जून 2018 को निर्माताओं ने अभिनेता रणबीर सिंह और खान के निर्देशक की शेट्टी और साथ ही निर्माता और जौहर की एक स्क्रिप्ट जो है वीडियो के साथ प्रमुख जो है फोटोग्राफी शुरुआत की घोषणा की थी, जो 6 दिसंबर 2018 को फिल्म का पहला गाना आंख मारे शीर्षक से जारी किया गया था, जो 1986 की फिल्म जो है जो 1986 की हिट फिल्म तेरे मेरे सपने के मूल गीत का रीमेक बनाया गया था। इसे कुमार शानू जिन्होंने गाया है कविता कृष्णमूर्ति के साथ मूल भी यानी कि गाने को गाया गया था। इन मीका सिंह और साथी नेहा कक्कड़ ने फिल्म के गाने को गाए हैं और अभिनेता अरशद वारसी जिनकी जो है फिल्म और गीत की शुरुआत जो है मूल से की गई थी और साथ ही सिम्बा रीमेक के लिए वीडियो में फिर से दिखाई दिए हैं और साथ ही साथ फिल्म के निर्देशक रोहित शेट्टी की एक और फिल्म के कई जो है अभिनेताओं के साथ जो है साथी गोलमाल एंड कुणाल खेमू के साथ जो है श्रेयस तलपरे और तुषार कपूर रीमेक के लिए रिलीज की तारीख को विशेष रूप से मूल 22 साल पहले 6 दिसंबर 1986 की रिलीज की तारीख के साथ जो है इस फिल्म के मेल खाने के लिए चुना गया था। बता दें दोस्तों वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं सिम्बा फिल्म को, जिसे 2018 में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। तो दोस्तों अगर आप लोग इस फिल्म को YouTube पर देखना चाहते हो तो ये फिल्म अभी आपको YouTube पर देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर हाजिर हुए हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। बता दें दोस्तों हमारे YouTube चैनल पे आपको मूवी रिव्यू, मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं रणबीर सिंह की ब्लॉकबस्टर मूवी जिसका नाम है सिम्बा। तो दोस्तों सिम्बा मूवी की बारे में हम बात करते हो, इस फिल्म को खलीज टाइम की अबिंका सीन ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए हैं और संक्षेप में कहा है कि अगर आप साल के अंत में एक पूरी तरह से मसाला मूवी एनसाथी पैसा वसूल फिल्म की तलाश में है तो इस फिल्म को आप देख सकते हैं। दोस्तों सिम्बा फिल्म पूरी तरह से 2018 की मसाला फिल्म है, क्योंकि पैसा वसूल भी इस फिल्म को कहा जाता है, जो हम आपको सिम्बा देखने की सलाह देते हैं। एंड मेलोड्रामिक जो है ओवर द टॉप फिल्म जो है निश्चित रूप से आपको यानी कि ऊंचाइयों पर ले जाएगी। बता दें दोस्तों बॉलीवुड के हंगामा तरुण अदर्स ने इसे 5 में से 4 सितारों की रेटिंग दिया है और विजेता घोषित करते हुए लिखा है रोहित शेट्टी ने टेम्पर से आर के साथ जो है यानी कि उधार लिया है, लेकिन उस फिल्म के एक बड़े हिस्से को संघोषित
करते हुए नजर आए हैं। अंततः स्क्रीन पर जो कि सामने आते हैं वो बहुत अलग होते हैं। एक में सरकार, एक में सकारात्मक तरीका है जिसके साथ जो है इनकी बिजनेस तोड़ेगी। साथी अन वैसा इन साथी मधु कालिया ने लिखा है कि यह वास्तव में यानी कि युवा स्टार के प्रशंसकों के लिए खुशी का समय है क्योंकि सिम्बा मूवी ने रणबीर सिंह के बड़े यानी कि लीग में आने की घोषणा की है। दोस्तों फिल्म को द टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए लेखन और साथी रौनक कोटेचा ने इसे 5 में से 3.5 की रेटिंग दिया और लिखा है और फिल्म को एक जो है कि पोर्ट वायरल के रूप में कहा जिसकी आप यानी कि उम्मीद करते हैं जहाँ पे अच्छा निश्चित रूप से बुरे अधिक है। और इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स के साथ ही उनके साथ जो है सुपर्नो सरकार ने भी फिल्म के इसे 5 में से 3.5 स्टार देते हुए लिखा है कि सिम्बा मूवी एक पूर्ण मसाला एंटरटेनर फिल्म है जो अच्छे संवादों के साथ जो है हास्य दिल को छू लेने वाले भावनाओं और उच्च यानी कि साथी ऑक्टेन के साथ जो एक्शन से भरी हुई फिल्म है और इसमें तर्क का अभाव रखी गई है। और साथ ही विभिन्न स्तरों पर इस फिल्म के लिए लेकिन मनोरंजन करना काफ़ी बंद कर दी गई है। दोस्तों फिल्म के लिए इकोनॉमिक टाइम्स के एक जो है आलोचक ने कहा था, सहमति व्यक्त की थी कि इसे 5 में से 3.5 सितारों की रेटिंग दी गई है लेकिन महसूस किया है कि वह फिल्म जो है दूसरे भाग में एक यानी कि उनके साथ उपेक्षा यानी कि उपेक्षात्मक मोड लेती है और कथा का अनुमान भी लगाया जा सकता है। दोस्तों हिंदुस्तान टाइम्स के लिए लेखन राजा सेन ने इस फिल्म को 5 में से 3 सितारों का मूल्यांकन किया है और लिखते हुए उन्होंने लिखा है कि ये मूवी खड़ा है सिम्बा न केवल यानी कि सिंघम में आगे मूवी है बल्कि दबंग से कहीं बेहतर फिल्म है जो कि शौली को परिभाषित करने वाली ब्लॉकबस्टर फिल्म है। उन्होंने भूमिका में लाई गई ऊर्जा के लिए रणबीर सिंह की सराहना की लेकिन पाया कि इस फिल्म के लिए खान अपनी यानी कि भूमिका से प्रतिबंधित थे। न्यूज 18 के राजीव मंसद ने भी फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और पहली छमाई को एक जो है कि छिटपुट शुरू से बताया और मनोरंजन फिल्म कॉमेडी के रूप में पाया लेकिन दूसरी छमाई को कम जो है कहा था और आनंदमय बताया है और फिल्म वांछित होने के लिए बहुत कुछ छोड़ दी है। दोस्तों लेकिन एक जो है तारे का पुनर्जन्म होता है और मिंट के उदय भाटिया ने मंसद के साथ जो है सहमति व्यक्त की है लेकिन रणबीर सिंह को एक जो है यानी कि अंत निर्हित मूवी एंड मिठास के साथ एक जो है चरित्र के साथ ही कार्डबोर्ड निर्माण को भी निभाने के लिए श्रेय दिया गया है जो कि इसे यानी कि अजय देवगन की सिंघम मूवी की विनोद एंड साथ ही उनके साथ जो है मर्दानगी की तुलना में अधिक जो है आकर्षक बनाई गई है। बता दें दोस्तों वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं सिम्बा फिल्म को जिसे 2018 में रिलीज किया गया था। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे इस मूवी की टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। बता दें दोस्तों मैं जिस मूवी को रिव्यू करता हूँ उस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जरूर बतलाता हूँ। तो इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं रणबीर सिंह की ब्लॉकबस्टर मूवी जिसका नाम है सिम्बा। दोस्तों फिल्म के लिए बॉलीवुड हंगामा पर प्रस्तुत की गई फिल्म के शुरुआती हफ्ते के लिए बॉक्स ऑफिस संग्रह के आंकड़े हैं। पहले दिन इस फिल्म ने भारत में 20.72 करोड़ की कमाई की जिसने जो है इसे 2018 तक की रणबीर सिंह की सबसे ज्यादा ओपनिंग वाली फिल्म बना दिया। दूसरे दिन फिल्म ने 23.33 करोड़ से अधिक की कमाई किया और फिल्म ने 31.6 करोड़ का शुद्ध संग्रह किया था। और कुल पहले हफ्ते के कलेक्शन के बारे में हम बात करें तो फिल्म ने 75.11 करोड़ से अधिक की कमाई की थी। तो दोस्तों शुरुआती हफ्ता में अखिल भारतीय संग्रह पर फिल्म ने 150.81 करोड़ की कमाई किया था जिसने जो है इस फिल्म को हिट घोषित बना दिया था। अपने दूसरे हफ्ता में 8वें दिन घरेलू संग्रह पर फिल्म ने 9.2 करोड़ से अधिक की कमाई किया था। 9वें दिन की कलेक्शन के बारे में हम बात करें तो फिल्म ने 9वें दिन 13.32 करोड़ से अधिक की कमाई कर लिया था। और 10वें दिन की कलेक्शन के बारे में हम बात करें तो फिल्म ने 10वें दिन 17.49 करोड़ से अधिक की कमाई किया था। और कुल इस फिल्म के 2 हफ्ते के कलेक्शन के बारे में हम बात करें तो फिल्म ने दूसरे हफ्ता में 61.62 करोड़ से अधिक की कमाई कर लिया था। और फिल्म ने कुल सकल संग्रह के बारे में हम बात करें तो 308.9 करोड़ से अधिक की कमाई किया था। और ये रोहित शेट्टी की सबसे बड़ी हिट मूवी बन गई थी क्योंकि इसने चेन्नई एक्सप्रेस के आजीवन इन व्यवसाय को पीछे छोड़ दिया। दोस्तों बॉलीवुड हंगामे के अनुमान के अनुसार फिल्म ने विदेशी बाजारों में 92.10 करोड़ से अधिक की कमाई किया था जो यूएसए में कन्वर्ट करते तो 12 मिलियन की कमाई की थी। और फिल्म ने दुनिया भर में सकल संग्रह 400.19 करोड़ से अधिक की कमाई किया है जो यूएसए में कन्वर्ट करते तो 53 मिलियन से अधिक की कमाई की है। और ये मूवी 2018 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। दोस्तों पाकिस्तान में फिल्म ने अपने 5वें हफ्ता तक जो 19 करोड़ से अधिक की संग्रह किया था और ये मूवी
साथ ही एसमेंसिन सिम्बा फिल्म पर आधारित एक जो है एनिमेटेड एंड टेलीविजन श्रृंखला पोगो ट्यूब पर 14 नवंबर 2020 को जारी की गई थी। बता दें दोस्तों, वीडियो में एक्सप्लेन कर रहे हैं रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर मूवी जिसका नाम है सिम्बा। तो चलिए दोस्तों, सिम्बा मूवी की हम यहाँ से बात करते हैं कहानी के बारे में। बता दें दोस्तों, मैं जिस मूवी को रिव्यू करता हूँ उस फिल्म की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जरूर बतलाता हूँ। लिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं सिम्बा मूवी की कहानी के बारे में। तो फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है सिम्बा से, जो कि भाले राव इनका नाम है फिल्म के अंदर, और शिवगढ़ का एक बच्चा है, अनाथ है। वही शहर पे जहाँ पे बाजीराव सिंघम का जन्म हुआ था, पालन पोषण हुआ था। वह देखते हैं कि कैसे पुलिसकर्मी रिश्वत के रूप में पैसा कमाते हैं, खुद को पुलिस अधिकारी बनने के लिए प्रेरित करते हैं और सफल हो जाते हैं। कुछ स्थानीय चोरों और एक जो है यानी जौहरी से रिश्वत लेते हुए सिम्बा एक भ्रष्ट पुलिस वाले की जीवन शैली का आनंद लेते हैं और उसका पूरा फायदा उठाते हैं। बता दें दोस्तों, उसे जल्द ही यानी कि गृह मंत्री एन विनायक दत्ताधारा शाती मीरामार पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां पे वह यानी कि शगुन साटे सारा अली खान को देखता है और पहली नज़र में उससे प्यार करता है। बता दें दोस्तों, वह अपने साथी पुलिस कर्मियों से मिलता है और उसका एक जो है जूनियर और साथी नित्यानंद के साथ जो है मोहिले जो एक जो है ईमानदार इंसाफी कॉन्स्टेबल है, जहाँ पर सिम्बा को सलाम करने से हिचकिचाते हैं क्योंकि वह एक भ्रष्ट पुलिस वाला है। और साथ ही मिरमिरा हुआ में अपनी जो है योग्यता साबित करने के लिए वह यानी कि दुरिया एंड साथी यशवंत यानी कि रनाटे और सोनू सूद के भाइयों के साथ जो है यानी कि सदाशिव एंड साथी रनाटे और गैरव के साथ जो है गिरी रनाटे के साथ नामक जो है अपराधी धारा चलाए जा रहे होते हैं, एक पॉप के साथ जो है पार्टी को बाधित करते हैं और उनसे अधिक जो है पैसे की मांग करते हैं, जबकि वादा करता है कि वह उन्हें उनकी अवैध और साथी गतिविधियों को जारी रखने देंगे। साथ ही दुर्वा एन सहमत हो जाते हैं और सिम्बा का उपयोग जो है यानी कि वामन राव और साथी नामक जो है एक बूढ़े व्यक्ति की भूमि को मुक्त करने के लिए करते हैं, जिसे जो है सिम्बा धारा कागजात पर यानी कि हस्ताक्षर करने के लिए साइन करने के लिए मजबूर किया जाता है। इसी बीच सिम्बा कई जो है महिलाओं और लड़कियों के साथ जो है मातृ और बहन के बंधन को एन विकसित करते हैं, जहाँ पे जिनमें से एक यानी कि आकृति के साथ जो है दबे होते हैं। फिल्म के अंदर सिम्बा का जो किरदार दिखाया गया है पहले भ्रष्ट पुलिस वाला होता है और साथ ही आकृत ने सदा और गिरी के खिलाफ अपने पब में अवैध का ड्रग का कारोबार करने और बच्चों को पकड़ने के रूप में इस्तेमाल किया था, क्योंकि शिकायत दर्ज किया गया था कि ध्रुवाधारा संगीत की गई और शांति के लिए जाने के बाद शुरू में इस पर जो है ध्यान नहीं देता है और इसी बीच शगुन को उससे प्यार हो जाता है और इसी बीच आकृति को केवल जो है कि क्लब में ड्रग और साथ ही रैकेट के बारे में पता चल जाता है और एक रात छोटू का साथ वहां पे जाती है, जो कि एक मूक यानी कि लड़का है जो उसका छात्र है, और वह पुलिस को सबूत देने के लिए अपने जो है सेल फोन से वहाँ की कुछ तस्वीर और कुछ जो है वीडियो टेप कर लेता है, लेकिन सदा और गिरिधारा पकड़ लिया जाता है और छोटू चतुराई से सदा और साथ ही गिरि को पर जो है इनकी हमला करते हुए रिकॉर्ड करता है और दोनों को पता चलने पर वह वहां से भाग निकलते हैं। दोस्तों, उसके बाद आकृति ने सदा और गिरी के खिलाफ अपने पब में अवैध ड्रग का कारोबार करने और बच्चों को पकड़ने के रूप में इस्तेमाल करने के लिए शिकायत दर्ज की थी, क्योंकि दुर्वा धारा जो है यानी कि शांत किए जाने के बाद सिम्बा शुरू में इस पर जो है ध्यान नहीं देती है और इसी बीच जो है शगुन को उससे प्यार हो जाता है। इसी बीच जो है आकृति को क्लब में ड्रग रैकेट के बारे में पता चल जाता है और एक रात छोटू के साथ वहां पे जाता है, जो कि एक मूक लड़का है जो उसका छात्र, और वहीं पे पुलिस को सबूत दिखाने के लिए अपने सेल फोन में कुछ वीडियो और कुछ फोटोग्राफ जो है डायर कर लेते हैं और इन सब चीज़ों के बारे में उसे पता चल जाता है और उनको पकड़ लिया जाता है। साथ ही आकृति पर हमला करते हुए रिकॉर्ड करते हैं और दोनों को वहां पे पता चल जाता है और वहां से भाग निकलते हैं। आकृति के साथ जो है सदा और गिरी बेरहमी से बलात्कार करते हैं और छोटू आकृति की दोस्त काव्या को आकृति के खतरे में होने के बारे में बताने की कोशिश करता है और दुर्वा के गुंडे धारा जो है यानी कि काव्या का पीछा करते हुए आकृति की साथी जो है यानी कि गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करने के लिए वहाँ पर सिम्बा जाते हैं और आकृति अस्पताल में घायल हो गई है और सिम्बा उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह मर जाती है, जिससे वह यानी की तबाही हो जाता है और पुलिस यानी कि आकृति का फोन और उसके धारा यानी कि शूट किए गए वीडियो को बरामद कर लेती है और दुर्वा अपने गुंडों को सिम्बा से फोन लेने के लिए भेजता है,
जो वहाँ मौजूद होता है और अपने तरीके से सुधारता है सिम्बा और उन सभी से लड़ता है। और सिम्बा अंत में अपनी पुलिस की वर्दी जो है यानी कि पहनते हैं। और इसमें जो है इसी बदलाव को देखकर जो है कि मोहिले एन आखिरकार जो उसे सलाम करता है मोहिले आखिरकार उसे सलाम करता है क्योंकि वह सदा और गिरी को गिरफ्तार करते हैं और वह उनके साथ जो है बामन राव से माफ़ी मांगता है और यह स्वीकार करते हुए कि वह एक नायक बन गया है क्योंकि उसके पास सही और यानी कि गलत के माध्यम से साथी मार्गदर्शन मिल गया है और मार्गदर्शन करने के लिए पता नहीं था और उससे ठगी गई यानी कि ज़मीन लौटाता है और कोर्ट में आकृति का वीडियो भी डिलीट होते देख सकता है। और सिम्बा हैरान रह जाता है कि वह यानी कि दुर्वा के दोस्त यानी कि पार्षद डेविड के साथ जो है यानी कि कैमरॉन की पिटाई करता है और जिसमें जो है अदालत में झूठा बयान दिया गया था इसके कारण उसे जो है निलंबित के आदेश दिए गए थे और वह जाने से पहले सदा और गिरी को मारने का फैसला करता है और इसे एक जो है कि मुठभेड़ के रूप में दिखाने की योजना बना रहा होता है और वह उन दोनों को गोली मारता है और दिखाता है कि जैसे उसने जो है कि आत्मरक्षा के कार्य में उन्हें मार डाला था। और सिम्बा के एनकाउंटर पर उनके साथ सवाल उठाने वाले राज्य की ओर से एक जो है कि SIT के साथ जो है कमेटी का गठन किया है और इस स्थिति में उनके साथ जो स्पष्टता के साथ हासिल करने के लिए उद्देश्य से साथी विनायक एन साथी आर कृति के मामले को संभालने के लिए एक जो है कि उनके साथ जो है कि तटस्थ के साथ जो अधिकारी की साथी नियुक्तिता करता है और साथ ही साथ सिम्बा की यानी कि विवादास्पद मुठभेड़ में मिल जाता है। दोस्तों वहां से सिम्बा क्रोधित होकर दुर्वा और उसके गुंडे ने सिम्बा को पकड़ लिया था। अचानक जो है DCP बाजीराव सिंघम उनके बचाव में आते हैं और उन दोनों ने दुर्वा और उनके जो है आदमियों की पिटाई कर दी और सिंघम सिम्बा को बताते हैं कि वह अपने मामले को संभालने के लिए राज्य समिति द्वारा नियुक्त यानी कि तटस्थ के साझे अधिकारी है और एक जो है बयान देते हैं कि सिम्बा ने आत्मरक्षा के कार्य में सदाशिव और साथी गौरव को मार डाला था और वह दुर्गा की माँ जो है भारती और पत्नी वर्षों की भी यानी कि बुलाते हैं जो कि प्रत्यय करते हैं कि यह जो है इनकी सदाशिव और गौरव थे जिन्होंने आकृति के साथ जो है बलात्कार किया था और भाइयों ने एक जो है इनकी ड्रग रैकेट को चलाते हैं और कई अन्य जो आपराधिक जो है इनकी गतिविधियों को चलाया था और इन अपराधों के परिणाम स्वरूप जो है दुर्वा को अदालत ने 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। और सिंघम ने खुलासा किया कि उसने जो है अपने यानी कि भ्रष्ट कार्यों के खिलाफ होने के बावजूद भी सिम्बा की मदद की ताकि वह उन यानी कि पुरुषों के मन में कानून का डर पैदा कर सके जो कि महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। जैसे ही सिंघम इन साथी मीरा मार पुलिस स्टेशन छोड़ते हैं वह DCP वीर यानी कि सूर्यवंशी से बात करना शुरू कर देते हैं और सिंघम ने उन्हें आतंकवाद विरोधी दस्ते के प्रमुख के रूप में उनके नए पद पर जो है बधाई दी थी और सूर्यवंशी ने उन्हें बताया कि वह जल्द ही उनसे मिलेंगे। बता दें दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं बॉलीवुड की सुपरस्टार रणबीर सिंह की ब्लॉकबस्टर मूवी जिसका नाम है सिम्बा। तो दोस्तों अगर आप भी सिम्बा फिल्म को यूट्यूब पर हिंदी डब में देखना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बतलाइएगा। बता दें दोस्तों सबसे पहले तेलुगु भाषा की फिल्म टेम्पर मूवी 2015 की रीमेक बनाई गई है। शेट्टी ने कहा था कि हम टेम्पर से 4-5 दृश्यों को लेना चाहते थे लेकिन सोचा था कि वह अधिकार खरीदना बेहतर होगा और फिल्म का अनुमानित जो उत्पादन बजट जो 80 करोड़ बतलाया गया है जो USD में कन्वर्ट कर दे तो 10 मिलियन में इस फिल्म को बनाई गई है। और सिम्बा फिल्म के लिए प्रधान फोटोग्राफी जून 2018 में शुरू हुई और यह मुख्य रूप से गोवा और साथ ही कोल्हापुर में फिल्माया था और हैदराबाद में कुछ फिल्मांकन और मुंबई में महबूब स्टूडियो में अतिरिक्त दृश्यों को फिल्माया गया था जो 29 जून 2018 को चालक दल ने हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में सिम्बा मूवी के लिए आला रे आला सिम्बा और आला गीत को फिल्माया था जिसे इंस्टाग्राम पर रणबीर सिंह ने बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन को नोट किया था और कहा था कि यह उनके करियर का सबसे बड़ा गाना था। बता दें दोस्तों खान की पहली फिल्म यानी कि केदारनाथ के निर्माण के आसपास के कानूनी मुद्दों ने सिम्बा फिल्म के उत्पादन में हस्तक्षेप किया था और जहां पे खान जो है कि लगभग एक ही समय में दोनों फिल्मों की शूटिंग करने वाले थे एक यानी कि मुकदमे में और साथ ही केदारनाथ फिल्म के निर्माण को बंद कर दिया था और सलमान खान ने सिम्बा पर काम करने के लिए समय जो है कि आवंटित किया था
लेकिन केदारनाथ के निर्देशन एन अभिषेक कपूर ने खान पर जो है मुकदमा दायर किया था क्योंकि उनकी फिल्म में देरी होगी और यह अब यानी कि खान की शुरुआत नहीं होगी। अब जो है खान ने दोनों फिल्मों के बीच अपना जो है समय बांटने के लिए सहमति व्यक्त की थी और दोनों अदालत से बाहर हो गए थे। अक्टूबर 2018 में मुख्य अभिनेता सिंह और साथी खान की फिल्म के लिए एक गाने के सीक्वेंस को फिल्माए इनकी फिल्माने के लिए और साथ ही स्विट्जरलैंड के लिए उनके साथ जो है रवाना हुए थे और अक्टूबर के अंत तक जो है दल एक दूसरे के गीत जो है आँख मारे को फिल्माने के लिए मुंबई लौट आए थे, जहां पे 90 के दशक के लिए एक जो है इनकी क्लासिक गीत का रिमेक बनाया गया था। क्योंकि रणबीर सिंह की शादी नवंबर 2018 में होनी थी और शेट्टी ने शादी की तारीख से पहले ज़्यादातर प्रमुख दृश्यों की शूटिंग कर ली थी और शादी के बाद जो है केवल अंतिम दृश्यों को फिल्माया जाना बाकी था, क्योंकि गोवा में एक यानी कि ढाबा लड़ाई के दृश्यों के पैच वर्क को पूरा करने के लिए रणबीर सिंह के लिए एक जो है डबल का इस्तेमाल किया गया था और विभिन्न यानी कि कैमरा और कोनों का उपयोग किया गया था ताकि डबल सिंह के सामने यानी कि हो सके। दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार रणबीर सिंह की ब्लॉकबस्टर मूवी जिसका नाम है सिम्बा। तो दोस्तों अगर आप भी सिम्बा फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं रणबीर सिंह के बारे में और इनके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने अब तक कितनी फिल्मों में अभिनय किया है। तो चलिए दोस्तों अब हम आपको बताएंगे रणबीर सिंह के रियल लाइफ के बारे में, इनकी जन्म कब हुई थी और इन्होंने सबसे पहले कौन सी फिल्म में अभिनय किया है। यहाँ से हम बात करेंगे रणबीर सिंह के बारे में। बता दें दोस्तों मैं जिस मूवी को रिव्यू करता हूँ उस फिल्म के मुख्य स्टार कास्ट के बारे में आप लोगों को जरूर बतलाता हूँ। इंडिया यूनिवर्सिटी एंड साथी ब्लू मिश्रक के स्नातक की डिग्री पूरी करने के बाद रणबीर सिंह अभिनय करियर बनाने के लिए भारत लौट आए थे। उन्होंने विज्ञापन में संक्षेप में काम किया और 2010 में यशराज फिल्म की रोमांटिक कॉमेडी बैंड बाजा बारात फिल्म में एक प्रमुख भूमिका के साथ अभिनय की शुरुआत की। फिल्म एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता मूवी के रूप में उभरी जिससे उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। उन्होंने लुटेरा फिल्म 2013 में नाटक फिल्म में एक जो उदासीन चोर की भूमिका निभाने के लिए प्रशंसा प्राप्त की थी और संजय लीला भंसाली के साथ अपने सहयोग से खुद को स्थापित किया था, जिसके जो है शुरुआत इंसाती रोमांस जो है गोलियों की रासलीला रामलीला फिल्म से किया गया था। रणबीर सिंह ने भंसाली के पीरियड ड्रामा फिल्म बाजीराव मस्तानी मूवी 2015 की और पद्मावत फिल्म 2018 में कर्मज जो है बाजीराव प्रथम और अलाउद्दीन खिलजी को चित्रित करने के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त की थी। उन्होंने पूर्व के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार और बाद के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवार्ड अर्जित किए हैं। एक्शन फिल्म सिम्बा मूवी जिसे 2018 के साथ जिसमें जो है उन्होंने शीर्षक चरित्र निभाया था और सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गया था। उन्होंने जोया अख्तर के संगीत नाटक गली बॉय फिल्म 2019 में एक महत्वाकांक्षी यानी कि रैपर की भूमिका निभाने के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का एक और फिल्मफेयर पुरस्कार इनको दिया गया। बता दें दोस्तों अभिनय के अलावा रणबीर सिंह ने टेलीविजन गेम शो द बिग पिक्चर 2021 की और 2022 की मेजबानी की है और कई ब्रांडों और कई उत्पादनों का समर्थन किया है। उन्होंने अपने सह कलाकार दीपिका पादुकोण से शादी की है। तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं रणबीर सिंह के बारे में। तो अगर आप इनके फ़ैन हैं और इनके फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बता दें दोस्तों इस वीडियो में हम इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बता रहे हैं और फिल्म के मुख्य स्टार कास्ट के बारे में भी हम बात कर रहे हैं। बता दें दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मूवी रिव्यू देखने को मिलता है। रणबीर सिंह के जन्म के बारे हम बात करें तो इनका जन्म 6 जुलाई 1985 को हुआ था। 85 को मुंबई शहर में हुआ था। एक सिंधी हिंदू परिवार में अंजू एंड साथी जगजीत सिंह भवनानी के घर में इनका जन्म हुआ था। भारत के विभाजन के दौरान उनके दादा दादी कराची एनसाती सिंह जो है वर्तमान एनसाती पाकिस्तान में बंबई चले गए थे। उनकी एक बड़ी बहन है जिसका नाम जो है रितिका भवनानी रखी गई है। रणबीर सिंह जो है यानी कि चांद वर्ग के पोते हैं जो कि अभिनेता अनिल कपूर और उनकी पत्नी सुनीता कपूर की भवनानी की बेटी सोनम कपूर के मामा दूसरे चचेरे भाई है। रणबीर सिंह बताते हैं कि उन्होंने अपना उपनाम जो है भवनानी छोड़ दिया क्योंकि उन्हें लगा कि यह नाम बहुत लंबा और बहुत अधिक शब्द होगा। इसी प्रकार उनके यानी कि ब्रांडों को बिक्री योग्य
इन वस्तुओं के रूप में कम कर दिया था। रणबीर सिंह हमेशा एक अभिनेता बनने की ख्वाहिश रखते थे, कई स्कूल नाटकों और कई बार जो है इनकी विवाद में भाग लेते थे। हालांकि मुंबई में HR कॉलेज ऑफ यानी कि कॉमर्स एंड के साथ जो है इकोनॉमिक्स में शामिल होने के बाद रणबीर सिंह ने महसूस किया था कि फिल्म उद्योग में यानी कि ब्रेक प्राप्त करना और आसान नहीं था। यह महसूस करते हुए कि अभिनय का विचार बहुत दूर की यानी कि कौड़ी था और रणबीर सिंह ने यानी कि रचनात्मक और लेखन पर ध्यान केंद्रित किया था और वह संयुक्त राज्य अमेरिका गए थे जहाँ पे उन्होंने इंडियन के साथ विश्वविद्यालय से कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी और विश्वविद्यालय में उन्होंने अभिनय कक्षाएं लेने का फैसला किया था और थिएटर को अपने जहन की नाबालिग के रूप में लिया था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद और 2007 में मुंबई लौटने के बाद रणबीर सिंह ने कुछ वर्षों तक एक कॉपी राइटर के रूप में विज्ञापन में काम किया था और वह एंड के साथ जो है एम और जो कि उनके साथ वाल्टर एसाती एस यानी कि थम पंस के साथ जैसे जो है एजेंसियों के साथ उन्होंने सहायक निर्देशक के रूप में भी काम किया था, लेकिन अभिनय को आगे बढ़ाने के लिए इसे छोड़ दिया और इसके बाद उन्होंने निर्देशकों को अपने जहन की पोर्टफोलियो भेजने का फैसला किया था और वह सभी प्रकार के ऑडिशन के लिए जाते थे लेकिन उन्हें कोई भी अच्छा अवसर नहीं मिला, जबकि केवल यानी कि छोटी भूमिकाओं के लिए कॉल आ रहे थे और इसके बाद जो है सब कुछ इतने यानी कि अंधाकरण था और यह बहुत यानी कि निराशाजनक हो चुके थे और कई बार जो है मुझे लगता था कि मैं जो है कि सही काम कर रहा हूँ या नहीं, ऐसे इनके दिल में ख्याल आते थे। तो दोस्तों अभिनय इनके लिए भी आसान नहीं था क्योंकि अभिनय के अंदर करियर बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है और ये बात रणबीर सिंह को खूब पता है क्योंकि इन्होंने पहले शुरुआती दिनों में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था। उसके बाद इनको बैंड बाजा बारात फिल्म में ब्रेक मिला जहाँ पर इन्होंने एक अच्छी अपनी जो है कलाकारी दिखाई और एक अच्छा प्रदर्शन करते हुए फिल्म को अच्छे रिस्पांस मिले जो कि इस साल की स्लीपर हिट मूवी साबित हुई जो कि यशराज फिल्म के द्वारा इस मूवीज को बनाया गया था। बता दें दोस्तों साल 2010 में रणबीर सिंह ने मनीष शर्मा की बैंड बाजा बारात फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए ऑडिशन दिया जो प्रोडक्शन कंपनी यशराज फिल्म की एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी। उनके ऑडिशन से प्रभावित होकर निर्माता आदित्य चोपड़ा ने उन्हें जो है अनुष्का शर्मा के साथ भूमिका के लिए कास्ट किया। रणबीर सिंह ने बिट्टू शर्मा की अपनी भूमिका को दिल्ली के एक विशिष्ट लड़के के रूप में वर्णित किया जो भूमिका की तैयारी के लिए उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों के साथ समय बिताया था। साथ ही 15 व्यापार इन पत्रकारों से इस फिल्म की व्यावसायिक अपील के बारे में आपत्तियों के बावजूद जो है फिल्म 18 यह फिल्म जो है कि स्लीपर हिट के रूप में उभरी थी। एक से मिलता है और हालांकि दिनों के एक यानी कि चटारी शुरुआत के लिए उतरते हैं और वह एक दूसरे को अपना खेल जो है सिखाने के लिए कहते हैं, खेल सिखाने के लिए एक साथ समय बिताना शुरू कर देते हैं। एक पार्टी में बात वह होती है यानी कि सेक्स करते हैं एक पार्टी के बाद वह सेक्स करते हैं जग्गी को। बाद में पता चलता है कि कार्तिका की शादी हो रही है और वह जो है यानी कि उससे पूछती है कि उसने उससे यह जो है बात क्यों छिपाई है। वह जवाब देती है कि उससे मिलने से पहले उसकी सगाई हो चुकी थी और उसे खेद है कि वह जो है उससे कहता है कि वह उससे सच्चा प्यार करता है और वह यानी कि उससे कहती है कि अगर उसकी यानी कि भावनाएं सच्ची है तो उसे 3 महीने बाद लंदन आना चाहिए, ऐसे में वह शादी रद्द कर देगी। वह जो है यानी कि वीजा के लिए आवेदन करने की कोशिश करता है लेकिन वीजा पाने में विफल रहता है और इसी तरह अवैध रूप से यानी कि जाने की कोशिश करता है। जग्गी की कहानी सुनने के बाद गौतम और साथी स्वीकार करते हैं कि उनका जो है दर्शन और सिर्फ एक यानी कि स्वागत भाषण था और ईरा और उनके साथ जो है गौतम जो है वर्तमान में अलग हो जाएंगे। वह क्योंकि गौतम ने नकारात्मक के लिए उनके साथ जो है सरकार के सामने यह खुलासा किया था कि सड़क पर खाना बेचने वाला एक युवा लड़का और साथी अवैध रूप से रह रहा था और एक यानी कि शरारती था और लड़के के प्रति जो है सहानुभूति महसूस करने वाले ईरा ने इसी पर गौतम से बहस की और इसे जो है छोड़ दिया। अब जग्गी को भारत जो है पर्दाफाश किया जाता है और उसके बाद वह जो है यानी कि भागने की कोशिश करता है लेकिन अपने साथी यात्री और साथी बिलाल को बचाने के दौरान चोट लगने पर पकड़ा जाता है। कागजी कार्रवाई के चलते
कागजी कार्रवाई के चलते लगी की यानी कि फ्लाइट छूट जाती है और गौतम को जग्गी को अपने साथ दो दिन के लिए सोमवार की सुबह अगली फ्लाइट तक जो है यानी कि रखना है। घर वापस जाते ही समय जग्गी और साथ ही इंग्लिश चैनल का एक पक्ष देखता है और गौतम से पूछता है कि दूसरे में क्या है। गौतम का जवाब सुनकर जग्गी उत्तेजित हो जाता है और हंसता है कि वह तैर कर यानी कि समुद्र पार कर सकता है। दोनों कुछ समय का आनंद लेते हैं और साथ ही जो है बिताते हैं और रास्ते में जग्गी एक यानी कि पोशाक देखता है और उसे कार्तिकेय के लिए खरीदना चाहता है। अब तीन महीने में पहली बार आखिरकार वह जो है यानी कि आखिरकार कार्तिका को उसकी ड्रेस के आकार के बारे में पूछने के लिए बुलाता है। जग्गी की आवाज़ सुनकर वह चौंक गई। उनका कहना है कि वह जो है फ्रांस में है और साथ ही सोमवार से पहले वहां पहुंचने की कोशिश करेंगे। वह उस पर जो है विश्वास नहीं करती है और सोचती है कि वह मजाक कर रहा है, लेकिन उससे पहले कि वह आगे बोल सके उसके फ़ोन की यानी कि बैटरी ख़त्म हो गई। और अगले दिन जग्गी गौतम को अपने रिश्ते को सुधारने के लिए एक कदम उठाने के लिए मानता है और ईरा को फ़ोन करता है कि जो इस बारे में बात करना चाहती है और साथ ही रेस्तरा में ईरा इसके बजाय यानी कि तलाक मांगती है और गौतम को कागज़ पर जो है हस्ताक्षर करने के लिए कहती है। वह गुस्से में कागज पर हस्ताक्षर करता है और चला जाता है। घर के रास्ते में जग्गी एक यानी कि सिबी मसूट देखता है और उसी यानी कि सुई मसूट को जो है पहनकर स्विमिंग सूट को पहनकर जो है इंग्लिश चैनल में तैरना चाहता है। अब गुस्से में गौतम जग्गी को एक यानी कि स्विमिंग पूल में ले जाता है और उसे लगातार तैराता रहता है या जो है विश्वास करते हुए कि इंग्लिश चैनल 20 मील लंबा है और तैराक से पूरी लंबाई को कवर करना लगभग जो है यानी कि आत्मघाती होगा। दोस्तों इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं सिद्धार्थ फिल्म को और इस मूवी से जुड़ी कुछ ऐसे अनसुने फैक्ट को इस वीडियो में हम बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। फ्रेंड अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। फ्रेंड सिद्धार्थ फिल्म अभी आपको यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलता है। इस वीडियो में हम सिर्फ इस मूवी के रिव्यू को लेके हाजिर हुए हैं और मूवी से जुड़ी कुछ ऐसी अनसुनी फैक्ट को इस वीडियो में हम बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। दोस्तों आप लोगों को पता है हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मूवी रिव्यू, मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिलता है। इस वीडियो में हम इस मूवी की रिव्यू को लेके हाजिर हुए हैं। इस फिल्म को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज किया गया था और ये वीडियो आपको यूट्यूब पे अभी देखने को मिलता ही नहीं है क्योंकि यूट्यूब पे किसी भी कंपनी ने इस फिल्म को अपलोड नहीं किया है। इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं कुणाल देशमुख सर ने और इस मूवी के वर्टन यानी कहानी के बारे में हम बातें कर तो धीरज रतन इन पूजा श्रुति इन शाति जो यानी कि श्रीधर राघवन ने मिलकर इस मूवी की कहानी को लिखे हुए हैं। इस मूवी की प्रोड्यूसर के बारे में हम बातें कर तो भूषण कुमार दिनेश बिजन ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस किए हैं। साथ ही सिनेमाटोग्राफर के बारे में बातें कर तो अमलेंदु चौधरी ने इस फिल्म के सिनेमाटोग्राफर के काम किए हैं। म्यूजिक कंपनी के बारे में हम बातें कर तो इस फिल्म के जितने भी गाने हैं सचिन जिगर के द्वारा बनाए गए हैं और साथ ही सचिन जिगर एन मनन भरद्वाज इन साथ ही गौरव जो है देश गुप्ता द्वारा इस फिल्म के गाने को तैयार किए गए हैं। इस फिल्म को टी सीरीज इन साथ ही मडोक फिल्म्स के बैनर के तहत बनाया गया है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे इस फिल्म को रिलीज किया गया था 1 अक्टूबर 2021 को और ये मूवी हिंदी भाषा में रिलीज किया गया है। दोस्तों ये मूवी काफ़ी बेहतरीन फिल्म है और इसमें आपको काफ़ी ऐसे भी सीन देखने को मिलते हैं जो कि बाकी फिल्म में आपको देखने को नहीं मिलते हैं। सिद्धार्थ इज द वेरी नाइस मूवी इज अ 2021 हिंदी लैंग्वेज एंड रोमांस ड्रामा फिल्म डायरेक्टेड बाय कुणाल देशमुख एंड प्रोड्यूसर बॉय भूषण कुमार इन साथ ही और डिनेश अबाजनी अंदर थेयर बैनर टी सीरीज एन मुडक फिल्म द इन रिस्पेक्टिवली द फिल्म स्टार एंड सनी कौशल राधिका मदन एन रोहित रैना एन डीना पंटी एंड द प्रिंसिपल फोटोग्राफर बिकेन इन द नवंबर 2019 सिद्धार्थ द एंड वेरेपेड ऑफ द एंड शूटिंग इन मार्च 2020 इन द वॉज द एंड द ट्रैक इट इन द सेप्टेम्बर 2020 रिलीज बट द रिलीज वॉज द एन आइडेंटिटी फाइनली इन द delight due to the COVID-19 and pandemic the end film in the prime rate on October 1 October 2021 under Disney Plus Hotstar।
अब दूसरे दिन क्या होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। इस मूवी की कहानी को हम रिव्यू कर रहे हैं। अगले दिन गौतम ईरा को अपने दरवाजे पर पाकर जो हैरान हो जाती है और उसे पता चलता है कि जग्गी जो कि लापता हो गया है और उसे फ़ोन करने के लिए जिम्मेदार ठहराता है। जग्गी अपने पीछे एक पत्र छोड़ते हैं और जिसमें कहा गया है कि वह कार्तिका के साथ फिर से यानी जुड़ने की कोशिश करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, और फिर वह जो यानी कि यूनाइटेड किंगडम के दूसरी तरफ जो है पहुंचने के लिए समुद्र में प्रवेश करता है। और इधर गौतम और ईरा उसे जो है खोजने की कोशिश करते हैं लेकिन वह जो है असफल हो जाते हैं। कार्तिका भी उसके लिए मंच पर यानी कि चिंतित रहती है क्योंकि जग्गी ने उसे एक यानी कि पीसीओ से बुलाया था और दावा किया था कि वह चैनल के माध्यम से उसके लिए आ रहा है। जग्गी जितनी देर तक तैर सकता है वह जो है तैरता है लेकिन समुद्र के बीच में ऊर्जा खोने लगता है और बेहोश हो जाता है। वह कुछ यानी कि अजनबी धारा बचाया जाता है। गौतम ने कार्तिका को बताया कि जग्गी सुरक्षित है और उसने उस तक जो है पहुंचने के लिए इंग्लिश चैनल पार करने की कोशिश की। वह उससे पूछती है कि अगर जग्गी समुद्र पार कर लेता है तो क्या वह जो है सचमुच अपनी शादी तोड़ देती है, लेकिन वह यानी कि उलझन में है और उसके पास कोई जवाब नहीं है। जग्गी का उसके प्रति यानी कि गहरा प्यार देखकर उससे प्यार हो जाता है और वह फ़ोन पर जो है जग्गी के सामने अपनी भावनाओं को कबूल करती है और मांग करती है कि वह उसे जल्दी से उठा ले वहाँ से। और दोनों के बीच प्यार को देखकर जो है गौतम जग्गी को अवैध रूप से यूनाइटेड किंगडम के लिए जो है वीजा के साथ यानी कि पासपोर्ट प्राप्त करने की मदद करता है। जब ईरा गौतम से पूछती है कि वह जग्गी के लिए अपने करियर को जोखिम में क्यों डाल रहा है तो वह यानी कि स्वीकार करता है कि वह दोषी महसूस करता है क्योंकि जग्गी अपने प्यार के साथ फिर से जुड़ने के लिए यानी कि अकल पानी और साथ ही जो है लंबाई तक जो है जाने को तैयार था, लेकिन वह खुद नहीं जानता था कि आखिरी बार जो है यानी जग्गी बिलाल से मिलने जाता है और उसे सारी बात बता देता है। आखिरी समय में जब गौतम और जग्गी विमान में चढ़ने वाले होते हैं, साथ ही बिलाल जग्गी को यानी नौकरी घर और साथ ही कानूनी नागरिकता के बदलने में पुलिस को धोखा देता है। पुलिस को उसकी तलाश में देखकर जग्गी विमान के नीचे छिप जाता है। जैसे ही विमान उड़ान भरता है वह बहुत यानी कि ठंडा हो जाता है और कार्तिक के साथ अपने जो है यानी कि पुनर्मिलन का जो है यानी कि सपना देखते हुए होश खो देता है। जैसे ही विमान यानी कि उतरना शुरू करता है यह जो है यानी कि दिखाया गया है कि एक ठंडा और साथ ही संभावन बेहोश जग्गी विमान के लैंडिंग और साथ ही जो है गियर से बाहर खोलने में गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। गौतम कार्तिका पहुंचता है जहां उसने अपनी शादी रद्द कर दी है और उसे जग्गी की दुर्घटना के बारे में सूचित करता है। अंत में यह दिखाया गया है कि गौतम और ईरा में यानी कि सुलह हो गई और गौतम जग्गी के प्रेम कहानी अपने दोस्तों को बता रहे थे क्योंकि वह उसे याद कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने यह कहते हुए निष्कर्ष निकाला कि हर किसी के पास प्यार की कहानी है और उन्हें यानी कि बांधने वाला एकमात्र साथी जो है यानी कि सामान्य करता है, सामान्य कारक और साथी तीव्रता है और उसी प्यार का कहानी ये लोग अपने दोस्तों को सुना रहे थे। दोस्तों इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं इस फिल्म को और इस मूवी से जुड़ी कुछ ऐसे अनसुने फैक्ट को इस वीडियो में हम बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। इस वीडियो में हम सिद्धत मूवी की रिव्यू को लेके हाजिर हुए हैं और सिद्धत मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को भी इस वीडियो में हम बता रहे हैं। अब बात करेंगे इस फिल्म के स्टार कास्ट के बारे में, राधिका मदान मैम के बारे में इस वीडियो में हम बातें करेंगे। इनकी जन्म के बारे में हम बातें करें तो 1 मई 1995 में इनका जन्म हुआ। यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में काम करती है।
है वह कलर्स टीवी के साथ ही रोमांटिक ड्रामा मेरी आशिकी तुम ही से है और ईशानी साथ जो है इनकी भगेला की भूमिका निभाने के लिए जानी जाती है। अब 2015 में उन्होंने झलक दिखलाजा में भाग लिया था। उन्होंने 2018 में विशाल भरद्वाज की फिल्म पटाखा से बॉलीवुड में डेब्यू किया। इसके बाद उन्होंने इरफान खान की मर्द को दर्द नहीं होता है और साथ ही सिद्दत के साथ जो है अंग्रेजी मीडियम 2020 जैसी फिल्मों में मुख्य भूमिका इन्होंने निभाई है। उन्होंने रे के साथ अपना जो है यानी कि वेब डेब्यू किया और साथ ही दीदी की भूमिका के लिए प्रशंसा प्राप्त की और फिल्म जो है यानी कि फाइट इश्क में भी अभिनय इन्होंने किया है। दिल्ली की रहने वाली मदन ने अपने करियर की शुरुआत डेली शोप और साथ ही जो है यानी कि ओपेरा मेरी आशिकी तुम ही से यानी कि मेरी आशिकी तुम से ही मैं अभिनय से की जो कि कलर्स टीवी पर डेढ़ साल तक जो है प्रसारित हुआ था। उन्होंने डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा सीजन 8 में भी भाग लिया था और टेलीविजन पर इन्होंने काम करना जारी रखा। टेलीविजन पर अपने काम करने के बाद मदन ने सामान्य मल्होत्रा के साथ विशाल भरद्वाज की कॉमेडी ड्रामा पटाखा के साथ फीचर फिल्म की शुरुआत की। चरण सिंह और साथी पति की लघु कहानी दो बहनें पर जो है आधारित थी जो कि राजस्थान की दो बहनों के इर्द गिर्द घूमती है जो कि हमेशा संघर्ष में रहती है और कहानी पाथिक के भाइयों की पत्नी पर आधारित थी। मदन और मल्होत्रा दोनों ही बोली और साथ ही चरित्र की बारीकियों के लिए असली महिलाओं से मिले थे। तैयारी के लिए यानी कि मल्होत्रा और साथ ही मदन दोनों जयपुर के पास रोनसी गांव में रहे और साथ ही राजस्थानी बोली सीखी। वह भैंसों को दूध पिलाने और साथ ही छतों को साथ ही खुरचने दीवारों को गोबर से पटाने और लंबी दूर तक जो है चलने के भी आदि हो गए हैं जबकि उनके फिर से जो है यानी कि उनके सिर पर पानी से भरे मटके और कमर के चारों ओर एक को यानी कि संतुलित करते हैं। उन्हें जो है यानी कि 10 किलो 22 पाउंड और साथ ही वजन की साथ ही बढ़ाना पड़ा था। राजा सेन ने अपने समीक्षक में लिखा है कि राधिका मदान इसी यानी कि बॉस की भूमिका में सकारात्मक रूप से चमकती है और बोली और साथ ही दृढ़ जो है इनकी संकल्प में अटूट दिखती है। इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं सिद्दत फिल्म को जिसे 2021 में रिलीज किया गया है। इस वीडियो में हम इस मूवी से जुड़ी कुछ ऐसी अनसुनी फैक्ट को इस वीडियो में हम बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। राधिका मदान मैम की रियल लाइफ को भी इस वीडियो में हम बता रहे हैं। दोस्तों आप लोगों को पता है हमारे यूट्यूब चैनल पे मूवी रिव्यू मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिलता है। मदन की फिरसी वसन और बला की एक्शन कॉमेडी मर्द को दर्द नहीं होता है फिल्म में दिखाई दिए। इसका प्रीमियर 2018 में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के साथ जो है मिड नाइट मैडनेस सेक्शन में हुआ था जहाँ इसने जो है यानी कि पीपल सच्चाई और साथ ही अवार्ड और साथ ही मिड नाइट और साथ ही मैडनेस जीता था। फिल्म को 2018 में मॉमी फिल्म समारोह में भी प्रदर्शित किया गया था। अब मदन ने उल्लेख किया है कि वह लैला मजनू 2018 के लिए ऑडिशन दे रही थी जब मर्द को दर्द नहीं होता है के बारे में पता चला और अपनी जो है यानी कि विशिष्टता के कारण जो है बात वाली फिल्म को जो है चुना गया था। उसने सभी स्टंट खुद किए और साथ ही कई जो है क्लासिक एक्शन फिल्में देखी थी और ताकि वह जो है इसी यानी कि शैली से खुद को परिचित कर सके। शारीरिक और साथ ही जो है प्रशिक्षण के दौरान जो है वह भी घायल हो गई थी और साथ ही फर्स्ट पोस्ट के प्रदीप मेनन ने उन्हें जो है यानी कि शुप्री के रूप में उनके साथ जो है यानी कि प्रश्न कहा था और कहा कि मदन और साथ ही जो है यानी कि असन और साथ ही जो है यानी कि अंशगत और उपचार वाले चरित्र के बावजूद भी यानी कि सरासर इच्छा और साथ ही प्रतिभा से इसे काम करने का प्रबंध करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि वह एक्शन दृश्यों में चमकती है और 2020 में मदन ने इरफान खान और साथ ही करीना कपूर के साथ जो है होमी और साथ ही जो है इनकी अध जानिया की कॉमेडी ड्रामा अंग्रेजी मीडियम में मुख्य भूमिका निभाई है। यह फिल्म 2017 की फिल्म हिंदी मीडियम का आध्यात्मिक सीक्वल था और अनुपमा चोपड़ा ने उन्हें भूमिका में
पूर्ण और साथ ही जो है प्राकृतिक कहा है। यह लिखते हुए कि वह एक 17 वर्षीय लड़की की जबरन यानी कि साथ जो है कि मासूमियत को जो है पकड़ती है अपने छोटे से शहर से बाहर निकलने और साथ ही दुनिया को देखने के लिए बेताब है। अक्टूबर 2021 में मदन को सनी कौशल के साथ जो है सिद्धत फिल्म में कार्तिका के रूप में देखा गया था। साथ ही 2021 में उन्होंने रे के साथ जो है अपना वेब डेब्यू किया और दीदी की भूमिका निभाने के लिए प्रशंसा प्राप्त की। वह फिल्म लाइक इश्क में जो है यानी कि लाइक इश्क में अवनी के रूप में भी दिखाई दे चुकी है। वह अगली बार कुट्टी में अर्जुन कपूर के साथ नजर आएंगी जिसे 2022 में रिलीज किया जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम सिद्धत फिल्म को रिव्यू कर रहे हैं और इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में अभी हम बातें कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप लोग सिद्धत फिल्म को यूट्यूब पे देखना चाहते हैं तो अभी आपको सिद्धत फिल्म यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि इस फिल्म को किसी भी कंपनी ने अपलोड नहीं किया है। और इस वीडियो में अब हम बातें करेंगे इस मूवी की और भी बहुत सारे स्टारकास्ट हैं जिनके बारे में आपको एक एक करके बतलाएंगे। फ्रेंड अब हम बात करते हैं इस फिल्म के एक और स्टारकास्ट के बारे में। इनका नाम है डायना पांडे। डायना पांडे के बारे में अब हम बतलाते हैं जिनका जन्म 2 नवम्बर 1985 में हुआ था। यह एक भारतीय मॉडल और अभिनेत्री हैं जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में दिखाई देती है। उन्होंने अपने मॉडलिंग करियर की शुरुआत 2005 में की थी जब उन्हें एलीट और साथ ही मॉडल्स इंडिया द्वारा साइन किया गया था। पेंटी ने अपने अभिनय की शुरुआत 2012 में रोमांटिक कॉमेडी फिल्म कॉकटेल से की थी। अब इस फिल्म में उनके प्रदर्शन ने प्रशंसा प्राप्त किए थे और उन्हें जो है सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार से इनको जो है सम्मानित किया गया था। कॉकटेल के बाद जो है पेंटी ने कॉमेडी फिल्म हैप्पी भाग जाएगी में एक यानी कि मुक्त और साथ ही उत्साही भगोरा दुल्हन की भूमिका निभाई थी इन्होंने और अपने प्रदर्शन के लिए प्रशंसा बटोरी और फिल्म 391 मिलियन से अधिक की कमाई करने वाली हिट बन गई थी। उन्होंने जेल फिल्म और साथ ही यानी कि लखनऊ सेंट्रल और 2017 वाली एक्शन फिल्म यानी कि परम मानु द स्टोरी ऑफ द उनके साथ जो है पोखरण 2018 जैसी और साथ ही रोमांस ड्रामा फिल्म सिद्धत में काम किया है। वह खानदानी और साथ ही यानी कि सफा खाना में शहर की लड़की के रूप में भी दिखाई दे चुकी है। पेंटी ट्रिस यानी कि और नोकिया जैसे ब्रांडों के लिए एक स्क्रिया सेलिब्रिटी एंडोर्सर भी रह चुकी है। डायना पेंटी का जन्म 2 नवंबर 1985 को मुंबई भारत में एक यानी कि पारसी पिता और कोकनी ईसाई मां के यहां इनका जन्म हुआ था। उन्होंने मुंबई के सेंट और साथ ही एग्नेस हाई स्कूल में पढ़ाई की है और सेंट यानी कि जेवियर्स कॉलेज में मास मीडिया में स्नातक की डिग्री हासिल की है। दोस्तों इनके करियर में क्या हुआ है और इन्होंने अब तक कितने फिल्मों में अभिनय किए हैं इसके बारे में अब हम आपको बतलाएंगे। पेंटी मैम के अगर फैन हैं इनके मूवीज को आप देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। पेंटी ने अपना मॉडलिंग तब शुरू किया जब उन्होंने एलीट मॉडल्स इंडिया को अपनी तस्वीरें भेजी थी जिन्होंने उनका काम पसंद किया और साथ ही उन्हें जो है मॉडलिंग असाइनमेंट लेने का सुझाव दिया। इसी स्तर पर वह जो है कॉलेज में थी और मॉडलिंग में अपना करियर चुनने के लिए अनिच्छुक थी इसीलिए पेंटी ने फैशन मॉडल के रूप में जो है यानी कि अंशकालिक काम करने का फैसला किया। अब 2005 में पेंटी ने आधारित यानी कि आधिकारिक तौर पर जो है एलीट मॉडल्स और इंडिया के लिए काम करना शुरू किया और इतना और साथ ही जो है यानी कि इटालियन और साथ ही डिजाइनरों निकालो और साथ ही जो है यानी कि ट्रू एसआरडी और साथ ही जो है यानी कि जियान फ्रेंको के फेरे के लिए जो है यानी कि एंडो और साथ ही इटालिया साथ ही फेस्टिवल में अपना रनवे डेब्यू इन्होंने किया था। इसके बाद पेंटी ने कई अन्य भारतीय डिजाइनरों के लिए मॉडलिंग की जिनमें वह जो है यानी कि वेडेल और साथ ही जो है यानी कि रनड्रिक्स और साथ ही रोहित बल और उनके साथ जो है रीना ढाका शामिल है। 2007 तक उन्होंने साथ ही त्रिभुवन दास और साथ ही जो है यानी कि भीमजी ज्वेलरी और साथ ही उनके साथ जो है पैराशूट और साथ ही वेस्ट टाइट सहित जो है भारत के कुछ सबसे प्रमुख यानी कि ब्रांडों के लिए प्रिंट और साथ ही अभियानों में प्रदर्शित होने के बाद जो है एक सफल और साथ ही मॉडलिंग करियर की स्थापना की थी। साथ ही साथ जो है वह जो है यानी कि भारतीय फैशन पत्रिकाओं के कवर पर भी दिखाई दे चुकी है। 2013 में साथ ही जो है यानी कि वोग और साथ ही जो है अवार्ड्स में पेंटी अगले वर्ष पेंटी ने एक अंतर्राष्ट्रीय सर्किट में मॉडलिंग शुरू किया था।
मॉडलिंग करना शुरू कर दिया। जब उसने मेबेल और साथी गार्नियर और साथी जो उनके साथ फॉरएवर 21 को छोड़कर और साथ जो है बेसिक ब्रांडों का समर्थन करना शुरू किया। पेंटी की अंतर्राष्ट्रीय अपील पर जो है एलिप मॉडल्स इंडिया की सीईओ और साथी जो है इनकी सुषमा पुरी ने टिप्पणी की कि डायना के पास एक ऐसा चेहरा है जो कि बहुत और साथी बहुमुखी है और भारतीय और साथी अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में अपील करता है और वह जो है युवा सुंदर और साथी आत्मविश्वास भी है। यह उसे किसी के लिए भी आदर्श और साथी जो है विकल्प बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड बाद में जो है अपने मॉडलिंग करियर में पेंटी को फिल्म के साथी प्रस्ताव मिलने लगे थे। हालांकि वह खुद को बहुत यानी कि अनुभवहीन मानती थी और मॉडलिंग पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उन्हें साथी अस्वीकार कर दिया गया था। 2008 से 2010 तक पेंटी ने पेरिस और साथ ही न्यूयॉर्क में फैशन वीक के लिए वह जो है मॉडलिंग के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुद को जो है स्थापित किया और अपना नाम काफ़ी ज़्यादा आगे ले गए और उनके बाद जो है इनको फिल्में मिलना स्टार्टिंग हुई। इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बतलाऊँगा। दोस्तों अगर आप पेंटी मैम के फ़ैन हैं और इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं सिद्धत फिल्म को और इस मूवी से जुड़ी कुछ ऐसी अनसुनी फैक्ट को इस वीडियो में बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। दोस्तों सिद्धत मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को भी इस वीडियो में हम बता रहे हैं। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। पेंटी को मूल रूप से 2011 में इम्तियाज़ अली की साथ जो है रॉकी स्टार के साथ जो है रणबीर कपूर के साथ बॉलीवुड में पदार्पण करने के लिए उनके साथ जो है स्लेट किया गया था। हालांकि उन्होंने उस समय अपने जो है मॉडलिंग प्रतिबद्धताओं के कारण फिल्म को अस्वीकार कर दिया था। बाद में नरगिस फाखरी द्वारा जो है प्रतिस्थापित किया गया था। अब डायना पेंटी ने निखिल कुमार और साथ ही देवांशु पहुजा और जैसी कुछ उद्योग यानी कि प्रतिभाओं के साथ भी काम किया है। उनके निखिल कुमार को डेट करने की भी अफवाह थी लेकिन 2 साल की डेटिंग के बाद उनका ब्रेक अप हो गया और निखिल साथी जो फिलहाल यूएस में सेटल हो चुके हैं। 2012 में कॉकटेल के प्रचार कार्यक्रम में पेंटी बाद में उन्होंने इसके बजाय होनी और साथी जो यानी कि अदजानिया के कॉकटेल के लिए एक साइन अप किया था और अली के सुझाव पर सैफ अली खान और साथ ही जो है दीपिका पादुकोण के साथ जो है कास्ट किया गया फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली। पारंपरिक मूल्यों वाली एक यानी कि असाधारण भारतीय लड़की मीरा के पेंटी के चित्रण को जो है आलोचकों ने खूब सराहा। बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने टिप्पणी की कि डायना जो अपने जो है यानी कि अभिनय की शुरुआत करती हो और साथ ही अपनी पहली फिल्म के लिए एक यानी कि कठिन चरित्र को चित्रित करने के लिए मिलता है इसमें एक बहुत ही यानी कि निंदनीय प्रकार की साथी जो है यानी कि मासूमियत को जो है देखता है। मासूमियत हो जो कि वह जो है भूमिकाओं में लाती है और वह बहुत जो है यानी कि प्रभावित करती है। राजा सेन ने यह उल्लेख निकाला कि यह उल्लेख करते हुए कि उनके साथ जो है यानी कि सहमति व्यक्त की है वह जो है ताज़ा रूप से प्रकृति है और साथ ही अनुपमा चोपड़ा ने कहा कि डायना सबसे बेरंग चरित्र से दुखी है लेकिन एक शांत और साथ ही यानी कि शिष्टता के साथ जो है अपनी भूमिका को प्रभावित भी करती है और खुद को जो है रखती है और उनके प्रदर्शन ने कई भारतीय फिल्मों में सर्वश्रेष्ठ यानी कि पहली और साथ ही सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए उनका जो है यानी कि नामांकन अर्जित किया है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म और साथ ही एकेडमी पुरस्कार सहित जो है यानी कि उनके साथ पुरस्कार समारोह में कॉकटेल बॉक्स ऑफिस पर हिट जो है बनकर उभरी थी। स्क्रीन से 4 साल की अनुपस्थिति के बाद जो है पेंटी ने आनंद एल राय के प्रोडक्शन हैप्पी भाग जाएगी 2016 में साथ ही जो है टाइटेनिक और साथ ही जो भगोड़ा दुल्हन की भूमिका निभाई। अभिनय से ब्रेक के बारे में पेंटी ने कहा कि यह एक यानी कि संचित ब्रेक नहीं था और मैं एक यानी कि दिलचस्प कहानी का हिस्सा बनने के लिए अपना साथ ही समय ले रही थी और मैं जो है ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी जो कि मेरे रास्ते में आए और
फिल्म ने आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं अर्जित की, लेकिन जो है स्लीपर हिट रही मूवी और रोहित यानी कि भटनागर ने लिखा है कि पेंटी हर फ्रेम में जो है यानी कि साथी स्पॉट लाइट चुराती है, जबकि अन्ना एमएम और साथी फर्स्ट पोस्ट के वेटी कैट ने कहा है कि पेंटी क्षमता में भरी हुई है। दोस्तों इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं सिद्धत फिल्म को और इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में अभी हम बातें कर रहे हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और हमारे इस चैनल पे आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। आई होप कि आज का रिव्यू आप लोग को पसंद आ रहा होगा। फ्रेंड आप लोग को बता दूँ कि मैं अपने इस चैनल पर सिर्फ मूवी को रिव्यू कर सकता हूँ, मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बता सकता हूँ, और यहाँ पर मैं और भी ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोग को नहीं दे सकता। दोस्तों मेरे YouTube चैनल पे आपको मूवी रिव्यू, मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ही सिर्फ देखने को मिलता है, इसीलिए मैं सिर्फ यहाँ पे मूवी की रिव्यू एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बतला सकता हूँ। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। इस वीडियो में हम सिद्धत मूवी के रिव्यू कर रहे हैं जिसे 2021 में रिलीज किया गया था, और सिद्धत मूवी से जुड़ी कुछ ऐसी अनजुनी फैक्ट को इस वीडियो में हम बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। 2017 में पेंटी ने लखनऊ साथी सेंटर में एक मोहनी, एक साथी जो है मेहनती और साथी एनजीओ कार्यकर्ता की भूमिका निभाई थी। 2018 में वह अभिषेक शर्मा की साथी जो है इनकी परमाणु द स्टोरी ऑफ द साथी पोखरान में जॉन अब्राहम के साथ जो है दिखाई दी, और साथी सोनाक्षी सिन्हा के साथ हैप्पी फिर भाग जाएगी में अपनी भूमिका को दोहराई। अब 2021 में पेंटी को मलयालम फिल्म और साथी जो है यानी कि सैल्यूट में दुलारे साथी उनके साथ जो है सलमान के साथ मुख्य भूमिका निभाई गई थी, जो कि मलयालम फिल्मों में उनकी शुरुआत की गई थी। वह अगली बार रोमांटिक ड्रामा सिद्धत में दिखाई देगी। अब मीडिया में इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई थी, और मॉडलिंग और साथ ही अभिनय के अलावा पेंटी वर्तमान में जो है यानी कि टी श्रेमेनी की भारतीय ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुकी है। हाल ही में उन्हें जो है यानी कि एसटी लाडर इंडिया धारा उनके साथी जो है यानी कि पहले राजदूत के रूप में जो है अनुबंधित किया गया है। नोकिया और साथी विशेष रूप से नोकिया लुमिया 510 फोन और साथी मलाई साथी जो उनके साथ माइक्रो मैक्स मोबाइल की ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुकी है। पेंटी ने कई साथी जो है यानी कि मैगजीन कवर पर भी छाप छोड़े हैं, जैसे उनके साथ जो है यानी कि वोक का जुलाई 2012 का अंक और एल ए का अक्टूबर 2012 का अंक और साथ ही वर्वे का जनवरी 2013 का अंक और साथ ही महिला स्वास्थ्य का साथी जो है उनके साथ जनवरी फरवरी 2013 का अंक, और भारत जो है यानी कि ग्राजिया का फरवरी 2013 अंक और साथ ही फेमिना का मई 2013 का अंक के बीच जो है काम कर चुकी है। दोस्तों इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं सिद्धत मूवी को जिसे 2021 में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज किया गया है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगा, और इस वीडियो में हम इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बतला रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस मूवी से जुड़ी कुछ ऐसी अनसुनी फैक्ट को बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। इस मूवी से जुड़ी काफ़ी रोमांटिक अनसुने फैक्ट को बता रहे हैं, तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। सो फ्रेंड अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। सिद्धत फिल्म को टी सीरीज के बैनर के तहत बनाया है। इस मूवी को भूषण कुमार सर ने प्रोड्यूस किया है। अब भूषण कुमार सर के बारे में मैं कुछ बातें आप लोगों को बतलाना चाहता हूं। अगर आप भूषण कुमार सर के फैन हैं, इनके मूवीज को आप देखना पसंद करते हैं और टी सीरीज कंपनी आपको सबसे बेस्ट कंपनी लगती है इंडिया की, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बतला सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं सिद्धत मूवी की और भूषण कुमार की रियल लाइफ को अब हम बतलाने जा रहे हैं। अगर आप भूषण कुमार की कंपनी और इनकी म्यूजिक की आप तारीफ करते हो तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। भूषण कुमार ने 1997 में संगीत कंपनी टी सीरीज का नियंत्रण संभाला जब वह अपने पिता गुलशन की हत्या के बाद 19 वर्ष के थे, और वह भारत में इन यानी कि नंबर एक संगीत कंपनी के अध्यक्ष और साथ ही प्रबंध निर्देशक बन गए थे। साथ ही प्रबंध और साथ ही जो है निर्देशक के रूप में भूषण कुमार ने कंपनी के कारोबार को इलेक्ट्रॉनिक्स और साथ ही सीडी ऑडियो और साथ ही वीडियो टेप और साथ ही जो है कैसेट और फिल्म निर्माण में जो है यानी कि बबी दाता प्रदान इन्होंने की थी।
अब इसके बाद वह जो है और भी विदेशों में और भारतीय संगीत को लोकप्रिय बनाने के लिए उन्हें भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और साथ ही उनके साथ यानी कि सॉफ्टवेयर निर्यात और साथ ही संवर्धन और साथ ही प्रसिद्ध धारा जो है सम्मानित इनको किया गया था। फिल्म निर्माता संपादित करे संगीत बाजार में अपनी कंपनी की उपस्थिति को मजबूत करने के बाद भूषण कुमार ने फिल्म बनाने का कदम उठाया। आशिकी जैसी हिट फिल्में देने वाले अपने पिता गुलशन की तरह भूषण कुमार ने तुम बिन भूल भुलैया और साथ ही जो है पटियाला हाउस रेडी एंड उनके साथ जो है लकी नो टाइम फॉर लव जैसी सफल फिल्में बनाई हैं। भूषण कुमार ने 2001 में तुम बिन के लिए निर्माता की भूमिका निभाई थी, एक फिल्म जो कि सफलतापूर्वक चली और फिल्म के निर्देशक अनुभव सिन्हा के साथ जो है यानी कि मुख्य स्टार कास्ट की शुरुआत की गई थी। 2013 में भूषण कुमार और साथ ही उनके साथ जो है नौटंकी साल का निर्माण किया गया था। उसी वर्ष भूषण कुमार ने आशिकी आशिकी 2 की रीमेक रिलीज की थी। आशिकी 2 भूषण कुमार के प्रोडक्शन हाउस के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई क्योंकि इसे 2013 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक माना जाता था। भूषण कुमार की बात की परियोजनाओं में यार या जैसी फिल्में और साथ ही शामिल थी जो कि उनकी पत्नी दिव्या खोसला कुमार धारा निर्देशित एक युवा साथी आधारित फिल्म थी। 2014 में भूषण कुमार ने बी आर चोपड़ा की फिल्म्स की उम्मीद और साथी भूतनाथ रिटर्न, इसके बाद उन्होंने साथी जो है यानी कि क्रिएचर 3D के साथ जो है विज्ञान फाई और साथी थ्रिलर की यानी कि शैली में प्रवेश किया गया था। इसमें जो है बिपाशा बासु और साथी इमरान अब्बास ने अभिनय किया और साथी विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित किया गया था। टी सीरीज ने साथी मधुर भंडराकर के साथ जो है मिलकर लूथरिया और साथ ही अनुराग बासु और साथ ही मोहित सूरी जैसे जो है यानी कि निर्देशकों के साथ काम किया था। 3 अप्रैल 2017 को भूषण कुमार ने फिल्म मुगल के लिए यानी कि महेश्वरा में 300 साल पुराने साथी जो है भगवान शिव मंदिर के सामने अक्षय कुमार के साथ एक यानी कि अनुबंध पर जो है हस्ताक्षर किए जो कि उनके पिता गुलशन कुमार के जीवन पर आधारित एक जो है अधिकारित और साथ ही बायोपिक है। हालांकि अक्षय कुमार ने फिल्म छोड़ दी और आमिर खान इस भूमिका को करने के लिए तैयार हो गए और केवल छोड़ने और साथ ही बाद में लौटने के लिए आगे क्या हुआ इसके बारे में इस वीडियो में हम बतलाएंगे, तो इस वीडियो में आप तक बने रहिएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम इस मूवी से जुड़ी कुछ ऐसी अनसुनी फैक्ट को बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। टी सीरीज कंपनी जो आप लोग को पता है भूषण कुमार के पिता ने शुरू की थी जो कि इसके काम को अब जो है भूषण कुमार ही संभाल रहे हैं। फ्रेंड दिव्या खोसला कुमार को आप लोग जानते होंगे, इनकी शादी जो है भूषण कुमार से हुआ है, इन्होंने दिव्या खोसला मैम से शादी की हुई है। दोस्तों इस वीडियो में हम इस मूवी की कुछ ऐसी अनसुनी फैक्ट को बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। टी सीरीज कंपनी जो कि एक बहुत ओल्ड कंपनी है, इसके बारे में भी मैं आप लोग को इस वीडियो में कुछ बातें बतलाना चाहता हूँ। टी सीरीज जो है काफ़ी पहले स्टार्ट की गई थी और टी सीरीज जो कि गुलशन कुमार ने इस कंपनी को स्टार्ट किए थे, जिनके बारे में कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अयुब की ये वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। सिद्धत मूवी की रिव्यू को लेकर इस वीडियो में हम हाजिर हुए हैं। इस मूवी की शुरुआत जो है यानी कि इसकी शुरुआत जो है यानी कि गुलशन कुमार शुरुआत में दिल्ली में फलों के रस के विक्रेता थे, साथ ही पैरेट बॉलीवुड गाने बेचने के लिए टी सीरीज की स्थापना की। इससे पहले कि कंपनी अंततः नए संगीत का निर्माण शुरू करती, उनकी सफलता 1988 की बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर क्यामत से क्यामत तक के साउंड ट्रैक के साथ जो है आई जो कि मजरू और साथ ही सुल्तानपुर धारा लिखित आनंद मिलिंद धारा जो है रचित और आमिर खान जूही चावला धारा अभिनीत जो कि 1980 के दशक के सबसे अधिक बिकने वाले भारतीय संगीत एल्बमों में से एक बन गया। अब 8 मिलियन से अधिक बिक्री के साथ जो है नदीम शरवान धारा रचित जो है आशिकी 1990 की रिलीज के साथ वह अंततः एक प्रमुख संगीत लेबल बन गए जिसकी जो है 20 मिलियन प्रतियां बिकी थी। प्रिंटिया बिकी और अब तक का सबसे अधिक बिकने वाला भारतीय साउंड एल्बम बन गया। हालांकि गुलशन कुमार की 12 अगस्त 1997 को मुंबई माफिया साथी सिंडिकेट डी कंपनी धारा हत्या कर दी गई थी, तब से टी सीरीज का नेतृत्व उनके बेटे भूषण कुमार और छोटे भाई कृष्णा कुमार संभाल रहे हैं।
यूट्यूब पर टी सीरीज का एक मल्टी चैनल नेटवर्क भी है और जिसमें 300 चैनल चलती है, जिसमें जो 30 चैनल चल रही है संगीत सहित है और जिनके 15 दिसंबर 2021 तक 382 मिलियन से अधिक ग्राहक है। कंपनी की यूट्यूब टीम से जो है यानी कि टी सीरीज मुख्यालय में 13 लोग शामिल है। यूट्यूब पर जो है कंपनी का मुख्य टी सीरीज चैनल मुख्य रूप से संगीत वीडियो के साथ जो है साथ फिल्म ट्रेलर भी दिखाता है। यह जनवरी 2017 में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला यूट्यूब चैनल बन गया था और टी सीरीज चैनल जो है मुख्य रूप से हिंदी भाषा में संग्रहित दिखता भी है। YouTube पर इस कंपनी को जो है 13 लोग संभालते हैं। YouTube पर कंपनी का मुख्य टी सीरीज चैनल मुख्य रूप से संगीत वीडियो के साथ साथ फिल्म ट्रेलर भी दिखाता है। यह जनवरी 2017 में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला YouTube चैनल बन गया था। टी सीरीज चैनल मुख्य रूप से हिंदी भाषा में साथ ही जो है यानी कि सामग्री दिखता है और कभी कभी भोजपुरी यानी पंजाबी और अंग्रेजी सहित जो है कई अन्य भाषाओं में टी सीरीज में जो है भोजपुरी पंजाबी तमिल और तेलुगु मलयालम कन्नड़ और गुजराती मराठी और राजस्थानी सहित जो है कई भारतीय भाषाओं में साथ ही सामग्री के लिए समर्पित किया जाता है। दोस्तों इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं इस फिल्म को सिद्धत मूवी को, इस मूवी से जुड़ी काफ़ी रोमांटिक फैक्ट को बता रहे हैं। अब ये कंपनी टी सीरीज की स्थापना 11 जुलाई 1983 में हुआ था, गुलशन कुमार द्वारा की गई थी और उस समय दिल्ली में साथ ही दरियागंज और साथ ही पड़ोस में फलों का रस बिक्रेता थे। मूल संगीत जारी करने से पहले कंपनी ने शुरुआत में साथ ही पायरेटेड बॉलीवुड गाने बेचे थे। उस समय जो है भारतीय ऑडियो कैसेट बाजार छोटे पैमाने पर था जिसमें जो है व्यापक और साथ ही यानी कि पायरेसी थी, लेकिन कैसे संगीत की मांग बढ़ रही थी। रेडिफ के अनुसार जबकि कुमार और साथ ही पायरेसी में शामिल थे, वह पूरी तरह से बाजार और साथ ही उपभोक्ता चला रहे थे। कंपनी ने कॉपीराइट कानून में जो है यानी कि खामियों का फायदा उठाते हुए गाने को कवर और साथ ही संस्करणों को जारी करने की अनुमति दी जो कि टी सीरीज के थे और इसके बाद जो है बाजार में बाढ़ आ गया, बाजार में जो है यानी कि बढ़ गया और बाढ़ आ जाएगी और साथ ही यानी कि रोध करती और साथ ही लॉरेंस और लियांस जैसी रवि सुंदर ने जो है लिखा था। टी सीरीज भारतीय संगीत बाजार में एक बड़े पैमाने पर साथियों यानी कि विगत साथियों बिग टर्न कारी शक्ति थी क्योंकि यह एक बहुत ही सफल और साथ ही समुद्री डाकू की कंपनी ने जो है विभिन्न अर्थ और साथ ही कानूनी और साथ ही अवैध प्रथाओं के माध्यम से अपना जो है यानी कि कर्ट लाग बनाया था। अब टी सीरीज जो है लोकप्रियता हिट के समुद्री डाकू रिलीज के रूप में जो है अधिक और साथ ही सीधे जो है कॉपीराइट उल्लंघन में लगी हुई थी और यह जो है अक्सर रिलीज होने से पहले अवैध रूप से फिल्म स्कोर प्राप्त करती थी। फिल्म यह जो है सुनिश्चित करने के लिए कि इसकी जो है रिकॉर्डिंग बाजार में सबसे पहले हिट हुई थी। आशिकी 2 जो 2013 के ऑडियो रिलीज के दौरान जो है कृष्णा कुमार बाय और साथ ही सीईओ भूषण कुमार दाए क्रोमस और गुलशन कुमार के भाई और बेटे हैं। गुलशन और साथ ही जो है कुमार ने पाया कि भक्ति संगीत का भी एक जो है बाजार है और उन्होंने इसकी रिकॉर्डिंग और साथ ही बिक्री शुरू की। अब कुमार ने देखा कि कई साथी बुजुर्ग हिंदू अनुयायी आँखों की रोशनी कम होने के कारण जो है भजन और मंत्र नहीं पढ़ सकते थे, इसलिए कुमार ने गायकों को मंत्रों को रिकॉर्ड करने के काम पर रखा और उन्हें जो है यानी कि सस्ते कैसेट के रूप में बेच दिया। बाद में उन्होंने भारत में प्रमुख हिंदू तीर्थों को फिल्माया और साथ ही उन्हें जो है यानी कि VHS और साथ ही जो है यानी कि वीडियो कैसेट टेप करके जो है बेचे। अब टी सीरीज की पहली मूल फिल्म साउंड रिलीज हुई थी और 1984 में लल्लू राम के लिए भी की गई थी और जिसमें जो है रविंद्र जैन ने जो है संगीत किया था और साथ ही मंसूर खान द्वारा निर्देशित और साथ ही आमिर खान द्वारा और जूही चावला अभिनीत जो है क्यामत से क्यामत तक साउंड के गाने अनंत मिलिंद द्वारा जो है रचित की गई थी और साथ ही जो है यानी कि मजरू सुल्तानीपुर द्वारा लिखी थी। 1988 की सबसे अधिक बिकने वाला भारतीय साउंड एल्बम और 1980 के के सबसे अधिक बिकने वाले भारतीय साउंड एल्बम में से एक बन गया था।
जिसमें 8 मिलियन से अधिक कमाई और साथ ही इनकी इकाइयां बिकी थी। एल्बम का सबसे बड़ा हिट गीत जो है पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, जिसे उदित नारायण ने गाया था और आमिर खान पर जो है यानी कि फिल्माया गया था। टी सीरीज के संस्थापक गुलशन कुमार ने जल्द ही 1980 के दशक के यानी कि ओत रात में जो है अपने साथ ही किफ़ायती टी सीरीज एल्बम के साथ जो है बॉलीवुड के कैसेट बूम में एक जो है यानी कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दोस्तों इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं सिद्धत फिल्म को और इस मूवी से जुड़ी कुछ ऐसी अनसुनी फैक्ट को बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। अभी इस मूवी की कंपनी के बारे में हम बातें कर रहे हैं, टी सीरीज की कंपनी से जुड़ी कुछ ऐसी अनसुनी बातों को हम बता रहे हैं और टी सीरीज कंपनी के बारे में भी इस वीडियो में हम बातें कर रहे हैं। इस कंपनी की स्थापना कैसे हुई थी और कंपनी किस तरह से इतना नाम किया, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बातें कर रहे हैं। टी सीरीज बाद में महेश भट्ट द्वारा निर्देशित आशिकी की 1990 की रिलीज के साथ एक प्रमुख संगीत लेबल बन गई और साथ ही नदीम श्रवण की जोड़ी धारा रचित जो है आशिकी फिल्म साउंड एल्बम भारत में 20 मिलियन यूनिट बिकी थी और यह अब तक का सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड एल्बम बन गया था। और आशिकी के धीरे धीरे का एक कवर यानी कि संस्करण बाद में यो यो हनी सिंह धारा गाया गया था। 2015 में तीसरी धारा इसको भी जारी किया गया था। टी सीरीज 1990 के दशक की शुरुआत में भारतीय संगीत उद्योग में उछाल लाने के लिए काफ़ी हद तक जो है जिम्मेदार थी। अब 1990 के दशक के सबसे अधिक बिकने वाले बॉलीवुड संगीत एल्बमों में से कई यानी कि विशेष रूप से नदीम श्रवण द्वारा रचित टी सीरीज लेबल के तहत जो है जारी किए गए थे। संगीत निर्माण के अलावा कंपनी ने फिल्म निर्माण में भी कदम रखा था और शुरू कर दिया। टी सीरीज की वर्षीय कमाई जो है 1985 में 20 करोड़ थे और यूएसए में कन्वर्ट कर दो तो 16 मिलियन से बढ़कर 1991 में 200 करोड़ हो गया था, जो यूएसए में कन्वर्ट किया जाए तो 88 मिलियन हो गई थी और 1997 तक 500 करोड़ हो गया था। अब 140 मिलियन यूएसए डॉलर में ये हो जाता है। 1997 में टी सीरीज के संस्थापक गुलशन कुमार की मुंबई माफिया सिंडिकेट डी कंपनी धारा जो है हत्या कर दी गई थी। साथ ही उनके साथ जो है नदीम अख्तर सैफी पर शुरू में हत्या में शामिल होने का आरोप लगाए जाने के बाद में जो है यानी कि देशमुक्त होने से पहले उनकी हत्या के कारण नदीम श्रवण नाम के सबसे विपुल संगीतकारों को भी टी सीरीज ने खो दिया। 1997 में गुलशन कुमार की मृत्यु के बाद कंपनी का नेतृत्व गुलशन कुमार के छोटे भाई कृष्ण कुमार की मदद से उनके बेटे भूषण कुमार ने संभाले। एक फिल्म निर्माण कंपनी के साथी जो है रूप में टी सीरीज को कुछ यानी कि माध्यम सफलता मिली है और अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली टी सीरीज फिल्म का निर्माण समीक्षकों द्वारा प्रशंसित यानी कि स्लीपर हिट हिंदी मीडियम 2017 में, जिसे जो है यानी कि जिनत और साथ ही लखानी द्वारा लिखित की गई थी। सकेत चौधरी धारा जो है यानी कि निर्देशित और साथ ही इरफान खान और शबा कमर अभिनीत किया गया है। इसने दुनिया भर में 322.4 करोड़ की कमाई की और यूएसए में कन्वर्ट किया जाए तो 46 मिलियन की कमाई की थी। अकेले चीन में 34 मिलियन के साथ अब तक की शीर्ष 20 सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गई और सबसे महंगी भारतीय फिल्मों में से एक टी सीरीज किसा हो थी, जो 2019 में रिलीज हुई थी 300 करोड़ और साथ ही 2020 में 317 करोड़ या फिर यूएसए में कन्वर्ट कर दो 42 मिलियन के बराबर के उत्पादन बजट के साथ जो है एक विज्ञापन कई साथी थ्रिलर थी। और टी सीरीज अपने जो है यानी कि संस्थापक गुलशन कुमार के जीवन पर आधारित एक बायोपिक फिल्म भी बना रही है, जिसे जो है यानी कि मुगल कहा जाता है, जो वर्तमान में निर्माणधीन है और 2019 में रिलीज होने वाली फिल्म थी। दोस्तों इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं, टी सीरीज कंपनी के बारे में बता रहे हैं और सिद्धत मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को इस वीडियो में हम लेके हाजिर हुए हैं। दोस्तों अगर आपको ये रिव्यू पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। इस वीडियो में हम इस मूवी से जुड़ी कुछ ऐसी अनसुनी फैक्ट को बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मूवी रिव्यू मूवी की
गैजेटेड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिलता है। मैं यहाँ पे किसी और कंपनी की फिल्म को अपलोड नहीं कर सकते, ये मैंने आप लोग को कई सारे वीडियो में बतला रखा है। अब 2017 में एक फिल्म निर्माण कंपनी के रूप में टी सीरीज को कुछ माध्यम सफलता मिली है और अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली टी सीरीज फिल्म समीक्षकों द्वारा प्रशंसित इसलिए पर हिट और हिंदी मीडियम 2017 में है। इसे जिन्नत और साथी जो है लखानी धारा लिखित और सकेत चौधरी धारा निर्देशित की गई थी और इरफान खान द्वारा और सप्पा कमर अभिनीत किया गया है। इसने दुनिया भर में 322.4 करोड़ की कमाई की, जो यूएसए में कन्वर्ट करे तो 46 मिलियन डॉलर की कमाई की। अकेले चीन में 34 मिलियन डॉलर के साथ अब तक की शीर्ष 20 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गई और सबसे महंगी भारतीय फिल्मों में से एक टी सीरीज की साहू फिल्म थी। एक विज्ञान के थ्रिलर थी जिसका जो है यानी कि उत्पादन बजट जो है 300 करोड़ था, जिसे 2020 में 317 करोड़ रुपए या फिर 42 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर 2019 में रिलीज हुई थी। अब टी सीरीज अपने संस्थापक और गुलशन कुमार के जीवन पर आधारित एक बायोपिक फिल्म का निर्माण भी कर रही है, जिसे जो है यानी कि मुगल कहा जाता है, जो वर्तमान में यानी कि निर्माणधीन है और 2019 में रिलीज होने वाली मूवी हो सकती है। यह देखे कि साथी पाउडी पी बनाम टी सीरीज की 13 मार्च 2006 को यूट्यूब से जुड़ा हुआ, लेकिन 2010 के अंत में ही ये वीडियो जो है यानी कि अपलोड करना शुरू किया और इस चैनल के तहत जो है टी सीरीज मुख्य रूप से संगीत वीडियो और साथ ही फिल्म ट्रेलर दिखाता है, जो जुलाई 2013 तक 51 बिलियन व्यूज को पार कर चुका था और राजश्री प्रोडक्शन के बाद जो है फिल्म का पत्थर यानी कि फिल्म का मील का पत्थर पार करने वाला दूसरा यूट्यूब चैनल बन गया। जनवरी 2017 में टी सीरीज ने पाउडीपी को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे अधिक देखा जाने वाला यूट्यूब चैनल बन गया और दिसंबर 2019 तक जो है इसे 92 मिलियन से अधिक बार जो है देखा जा चुका है। टी सीरीज का यूट्यूब चैनल की सीरीज और साथ ही मुख्यालय में 13 लोगों की एक टीम द्वारा चलाया जाता है। दिसंबर 2021 तक जो है टी सीरीज के 200 मिलियन ग्राहक है, जो कि इसे सबसे अधिक सब्सक्राइब किया गया है। अब यूट्यूब चैनल बनाता है जो दूसरे स्थान पर मौजूद पाउडीपी को 90 मिलियन से अधिक कर देता है। जब यह 50 मिलियन ग्राहकों तक पहुंच गया तो चैनल को 10 यानी कि सितंबर 2018 को एक कस्टम रूबी प्ले बटन प्राप्त हुआ है। यह अब तक का दूसरा चैनल है जिसने 70 मिलियन सब्सक्राइबर हासिल किए हैं। यह 29 मई 2019 को 100 मिलियन ग्राहकों तक जो है पहुंचने वाला पहला चैनल बन गया है और साथ ही जो है यानी कि औसतन टी सीरीज के 66,000 दैनिक यानी ग्राहक भी है। अब टी सीरीज चैनल के पास एक मल्टी चैनल यानी कि नेटवर्क भी है जिसमें जो है 29 चैनल है। लहरी संगीत को छोड़कर जो है यानी कि जिसने भी टी सीरीज तमिल, टी सीरीज तेलुगु, बॉलीवुड और साथ ही क्लासिक टीजेसी की यूट्यूब चैनल शामिल है। अब साथ ही टी सीरीज जो है यानी कि उनके साथ जो है किड्स हॉट की सीरीज अपना जो है पंजाब टी सीरीज और साथ ही कर्नाट जो है यानी कि शब्द गुरबानी और साथ ही यानी कि संस्थान और फिटनेस टी सीरीज भक्ति सागर और साथ ही मुख्य रूप से हिंदू भक्ति संगीत को जो है समर्पित और कुछ हद तक जो है जैन और साथ ही सिख जो है मुस्लिम और वैद और उनके साथ जो है ईसाई 5 जो है यानी कि चार्ट बस्ट की सीरीज जो है मलयालम टी सीरीज और साथ ही जो है क्लासिक टी सीरीज और साथ ही जो है रीजनल और साथ ही हमारा भोजपुरी टी सीरीज जो है यानी कि गुजराती टी सीरीज, मराठी टी सीरीज और साथ ही जो है यानी कि भावगीत और तेलुगु और उनके साथ जो है यानी कि लोक भक्ति सागर तेलुगु भक्ति और सागर तमिल भक्ति सागर मलयालम टी सीरीज भक्ति इसमें शामिल है। और टी सीरीज आज के दौर में इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है जिसे हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। दोस्तों टी सीरीज की हर चीज़ आपको मिलती है, हर एक भक्ति में इसके गाने रिकॉर्ड किए जाते हैं और ये जो है फिल्मों को प्रोड्यूस भी करती है। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। दोस्तों इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं सिद्धार्थ फिल्म को, जिसे टी सीरीज के बैनर के तहत बनाया गया है और इसकी कंपनी के बारे में हम बातें कर रहे हैं। अब टी सीरीज चैनल पर सबसे लोकप्रिय था गेट दिल पर गाना 2018 में, ये गाना बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। सिर्फ तुम के 1999 के गीत का एक यानी कि आत्म संस्करण मूल रूप से नदीम शर्मन द्वारा रचित थी।
जिसे जो है यानी कि तनिष्क बागची धारा माध्यम और शांति पूर्वी संगीत प्रभाव के साथ जो है फिर से तैयार किया गया है। और साथ ही जो है इनकी मोरक्को कनाडाई साथ ही जो है इनकी नृत्य गाना नूरा फतेही के अरबी बेली डांस की जो है विशेषता वाला एक संगीत वीडियो यह अब तक के सबसे लोकप्रियता बॉलीवुड संगीत वीडियो में से एक बन गया है। अपनी अंतर्राष्ट्रीय सफलता के साथ तीसरी धारा जारी अरबी भाषा के साथ ही संस्करण को भी यानी कि उनके साथ जो है प्रेरित करता है, जिसमें जो है नूरा फतेही भी शामिल है। दिलबर दक्षिण एशिया और साथ ही यानी कि अरब दुनिया में लोकप्रिय हो चुकी है। गाने के सभी संस्करण को यूट्यूब पर 1 बिलियन से अधिक बार देखा जा चुका है। यूट्यूब पर सबसे लोकप्रियतर तीसरे जो है कलाकार पंजाबी भाषा के कलाकार गुर और साथी रांगवा है, जिनके गीत लाहौर 2017 ने यूट्यूब पर 700 मिलियन व्यूज को पार कर लिया है। साथ ही जो है इनकी स्लोली और साथ ही स्लोली गुरु रांखुआ के सहयोगी से भी तीसरी धारा जो है यानी कि जारी अमेरिकी रैपर और साथ ही इनकी पिट बोल को जो है एक दिन में 38 मिलियन व्यूज मिले हैं, जो कि 24 घंटों में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला म्यूजिकल वीडियो बन गया था। टी सीरीज के यूट्यूब चैनल की साथ ही वृद्धि का श्रेय भारत की और साथ ही भारतीय ऑनलाइन आबादी को दिया गया है। भारत में जो है यानी कि वर्तमान में 500 मिलियन इंटरनेट और साथ ही उपयोग करता है और साथ ही यह संख्या तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। भारत के इंटरनेट विकास में एक बड़ी सफलता सितंबर 2016 को 4 जून नेटवर्क और साथ ही रिलायंस जियो के आगमन के साथ आई थी, जिसमें जो है बहुत कम लागत पर यानी कि डेटा की पेशकश की गई थी और भारत तब से यानी कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ऑनलाइन आबादी चीन के जो है बन गई थी। और बाद में यूट्यूब अवरुद्ध के है जो कि रूप उभरा है और अकेले यूट्यूब के साथ जो है 225 मिलियन से अधिक कमाई कर सकता है। यूट्यूब के साथ 225 मिलियन से अधिक जो है यानी कि मासिक भारतीय उपयोग करता है। भारत में यूट्यूब सामग्री की उच्च मांग और साथ ही स्थानीय सामग्री निर्माताओं की कमी ने टी सीरीज की यानी कि तीव्र विकास में जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दोस्तों, इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं इस मूवी को और इस फिल्म से जुड़ी कुछ ऐसी रोमांटिक फैक्ट को हम बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम सिद्धत मूवी को रिव्यू कर रहे हैं जिसे 2021 में रिलीज किया गया था। और इस वीडियो में काफी रोमांटिक फैक्ट को बता रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब इस कंपनी टी सीरीज की वृद्धि का श्रेय भारत के बाहर इसके बढ़ते दर्शकों को भी दिया जाता है। चैनल का लगभग जो है 40% यानी कि ट्रैफिक भारत के बाहर से आता है, जिसमें जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से 12% शामिल है। साथ ही चैनल के अधिकांश विदेशी दर्शक और साथ ही उनके साथ जो है वैश्विक व दक्षिण जो है एशियाई प्रवासी है। हाल ही में पौद्वीपी और साथ ही मिस्टर बेस्ट जैसे यानी कि विदेशी यूट्यूबर्स धारा चैनल पर जो है ध्यान आकर्षित करने और साथ ही विवाद के परिणाम स्वरूप चैनल के विदेशी दर्शकों की संख्या में और साथ ही वृद्धि हुई है। साथ ही 22 फरवरी 2019 को सुबह 6:04 में जो है टी सीरीज ने पहली बार पौद्वीपी को पीछे छोड़ते हुए सबसे अधिक यानी कि सब्सक्राइबर करने वाला यूट्यूब चैनल बन गया, जिसमें जो है पौद्वीपी 8 मिनट बाद फिर से जो है स्थान पर आ गया। और टी सीरीज ने अगले कुछ यानी कि हफ्तों में इसी तरह से कई बार जो है पौद्वीपी को पछाड़ और 27 मार्च को अंततः 1 अप्रैल तक जो है यानी कि उतार चढ़ाव लेकिन यानी कि समग्र रूप से जो है बढ़ते हुए और साथ ही मार्जिन से शीर्ष स्थान हासिल किया है और बनाए रखा है। नवंबर 2007 में टी सीरीज यूट्यूब के खिलाफ जो है अपने संगीत के कॉपीराइट का उल्लंघन करने के लिए उपयोगकर्ताओं को यूट्यूब पर अपने संगीत के वीडियो अपलोड करने की अनुमति देने के लिए मुकदमा दायर किया, जिसमें जो है यानी कि मुफ्त में और साथ ही जो है यानी कि एक्सेस किया जा सकता है। और साथ ही दिल्ली उच्च में जो है यूट्यूब के खिलाफ एक अंतरिम और आदेश प्राप्त किया। साथ ही न्यायालय और साथ ही जिसने जो है यूट्यूब को उसके कॉपीराइट का उल्लंघन करने से रोक लगा दिया।
टी सीरीज और साथ ही यूट्यूब जनवरी 2011 में अदालत से बाहर हो गए। अप्रैल 2019 में पौधी पी ने टी सीरीज बधाई और साथ ही बीच जो यानी कि लसगन यानी कि लसगन्ना के खिलाफ दो और साथ ही डिस्ट्रिक्ट जारी करने के बाद टी सीरीज ने दिल्ली उच्च और साथ ही न्यायालय में एक यानी कि शिकायत दर्ज की थी यूट्यूब से गाने को हटा दिया जाए और यह तर्क देते हुए कि वह जो है यानी कि अपमानजनक थे और साथ ही अपमानजनक और उनके साथ जो है अकराम और साथ ही किले साथी जो है केजे लबर के इसी बयान के साथ ही बावजूद कि इन यानी कि डिश ट्रैक को जो है अच्छे तरीके से किया गया है। साथ ही अदालत ने 8 अप्रैल 2019 को टी सीरीज के पक्ष में जो है एक यानी कि अस्थाई और साथ ही जो है यानी कि निषेधाज्ञा जारी किए थे। भारत यूट्यूब पर जो है डिश ट्रैक और साथ ही पहुँच को अक्टूबर कर दिया गया था और अगस्त 2019 में यह बताया गया कि टी सीरीज और पौदीपी ने अपने कानूनी विवादों को अदालत के बाहर सुलझा लिया है। दोस्तों इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं सिद्धार्थ फिल्म को और इस मूवी से जुड़ी कुछ ऐसी अनसुने फैक्ट को हम बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे, तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। आप इस मूवी के और साथ ही लीजो जट धारा डीजे साथी चैटर्स के साथ जो है एस थमन धारा रचित किया गया था। इसके बोल जो है शबीर अहमद एन रश्मि विराग कुमार और कुणाल वर्मा ने लिखे थे। साथ ही साथ मूवी के साउंड ट्रैक में 1996 के दो गीत का रिमेक रखा गया था आंख मारे मूल रूप से फिल्म तेरे मेरे सपने और साथ ही उनके साथ जो है नुसरत फतेह अली खानदारा कव्वाल गीत तेरे बिन इस मूवी में रखे गए थे। साथ ही साथ 27 दिसंबर 2018 को गल्फ एन साथी उनके साथ जो को ऑपरेशन के साथ जो है काउंसलिंग के देशों में सिम्बा फिल्म को रिलीज किया गया था, जहाँ पे फिल्म को अगले दिन भारत और अन्य अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में रिलीज किया गया था। इसे जो है रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा दुनिया भर में वितरित किया गया था, जहाँ पे फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली थी। लेकिन फिल्म 2018 तक हिंद से रणबीर सिंह की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ओपनिंग फिल्म बन गई थी और दुनिया भर में लगभग जो है 400 करोड़ की कमाई की थी। बाद में इसे जो ऑस्ट्रेलिया में और साथ ही टेल्स स्टार के साथ जो है पीपल चॉइस में इस मूवी को रखा गया था। चलिए दोस्तों आप एनालिसिस कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी को। तो दोस्तों सिम्बा फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है सिम्बा भालेराव शिवगर का एक वीर अनाथ बच्चा है वहीं पे शहर में जहाँ पे बाजीराव सिंघम का पालन पोषण हुआ था, जहाँ पे वह देखभाल करता है और उसे कैसे पुलिसकर्मी रिश्वत के रूप में पैसा कमाते हैं, खुद को पुलिस अधिकारी बनने के लिए प्रेरित करते हैं और सफल हो जाते हैं इस मिशन पे। कुछ स्थानीय चोरों के साथ और एक जो है जौहरी से रिश्वत लेते हुए सिम्बा एक भ्रष्ट पुलिस वाले की जीवन शैली का आनंद लेता है और उसका पूरा फायदा उठाता है अपने पुलिस होने का। वहीं पे बता दे दोस्तों एक तरह सिम्बा को जल्दी जो है गृह मंत्री विनायक दत्ता द्वारा जो है गोवा के और साथ ही मीरा राम पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया जाता है। यहाँ पे वह शगुन साठे को देखता है और पहली नजर में उससे प्यार कर बैठता है। वह अपने साथी पुलिस कर्मियों से मिलता है और उसका एक जूनियर जो यानी कि नित्यानंद मोहिले है जो एक जो है यानी कि ईमानदार कॉन्स्टेबल इंसान है सिम्बा को सलाम करने से हिचक जाता है क्योंकि वह एक भ्रष्ट पुलिस वाले को कभी भी सलाम करना पसंद नहीं करता है। बता दें दोस्तों अपनी योग्यता साबित करने के लिए वह साथी दुरिया और साथी यशवंत रानाडे के भाइयों के साथ जो है कि सदाशिव सदा रानाडे और गौरव के साथ जो है गिरी हुई नराडे के नामक एक जो है भ्रष्ट के साथ प्रभावशाली गैंगस्टर धारा संचालित किए गए एक पब जो है पार्टी में बाधा डालता है, जहाँ पे उसने जो है अधिक पैसे की मांग कर लेता है जबकि वादा करता है कि वह उन्हें जारी रखने देगा और उनकी अवैध जो है गतिविधियों को चलाने देगा। साथ ही साथ दुर्वा जो है सहमत हो जाता है इस बात से और सिम्बा का उपयोग जो है यानी कि बामन राव नाम के एक जो है यानी कि बूढ़े व्यक्ति की भूमि को मुक्त करने के लिए करता है, जिसे जो है सिम्बा द्वारा कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जाता है। इसी बीच सिम्बा कई जो है महिलाओं और साथी लड़कियों के साथ जो है मात्रा और साथी बहन के बंधन को विकसित करता है, जिसमें से एक बहन के आकर्षित के साथ जो है दबे होती है जो एक युवा महिला है जो सिम्बा को अपने जो है शिक्षक की याद दिलाती है और साथ ही आकृति ने सदा और गिर के खिलाफ जो है अपने पब में अवैध जो है ड्रग्स का कारोबार करने और बच्चों को पेट्रोल के रूप में जो है इस्तेमाल करने के लिए शिकायत दर्ज की, जहाँ पे दुर्वा धारा शांत किए जाने के बाद जो है सिम्बा शुरू में इस पर जो है ध्यान नहीं देती है और इसी बीच जो है शगुन को उससे प्यार हो जाता है। दोस्तों शगुन के प्यार के लिए अपने आप को बाजीराव बदलने की पूरी कोशिश करता है। सारी जानकारी इस वीडियो में हम देंगे, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और आपको ये रिव्यू पसंद आ रहा हो तो आप मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मूवी रिव्यू मूवी की बजट एंड बॉक्स
ऑफिस कलेक्शन देखने को मिलता है। दोस्तों उसके बाद इसी बीच जो आकृति को क्लब में ड्रग जो है रैकेट के बारे में पता चल जाता है और वह एक रात जो है यानी कि छोटू के साथ वहां जाती है। जो एक मूक लड़का है जो उसका छात्रा है वहीं पे पुलिस को सबूत दिखाने के लिए अपने सेल फोन से वहां सब कुछ जो है वीडियो टेप कर लेती है, लेकिन सदा और गिरिधारा पकड़ लिया जाता है। छोटू के साथ जो है चतुराई से सदा और गिरि को आकृति पर हमला करते हुए रिकॉर्ड कर लेता है और दोनों को पता चलने पर वह वहां से भाग निकलते हैं। आकृति को सदा और साथी गिरि ने बेरहमी से मार डाला। जो छोटू आकृति के साथी दोस्त जो है यानी कि काव्य को आकृति के खतरे में होने के बारे में बताने की पूरी कोशिश करता है। दुर्वा के गुंडों द्वारा जो है पीछा किए जाने के दौरान जो है यानी कि काव्य आकृति की गुंजाइश देती है, जहाँ पे शिकायत जो है दर्ज कराने के लिए सिम्बा वहाँ पे चला जाता है। आकृति जो है यानी कि अस्पताल में घायल पाई गई है, जहाँ पे सिम्बा सबसे उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वह मर जाती है, जिससे वह तबाह हो जाता है। और पुलिस जो है आकृति का फोन आता है और उसके द्वारा शूट किए गए वीडियो को बरामद कर लिया जाता है और दुर्वा अपने जो है गुंडों को सिम्बा से फोन लेने के लिए भेजते हैं, जो कि मौजूद है, अपने जो है तरीके के साथ जो है सुधार लेता है और वहीं से वह सभी से लड़ना स्टार्ट कर देता है। सिम्बा अंत में अपनी जो है पुलिस की वर्दी पहनता है और उसमें इसी बदलाव को देखकर मोहिले आखिरकार उसे सलाम करता है, क्योंकि वह सदा और गिरि को गिरफ्तार कर लेते हैं। वह जो है बामन राव से माफ़ी मांगता है और उसे जो है यानी कि ठगी गई जमीन लौटा देता है। साथ ही साथ बता दोस्तों, कोर्ट में जो है आकृति का वीडियो डिलीट होते दिखाया गया और सिम्बा हैरान रह जाता है कि वह दुर्वा के दोस्त जो है कि पार्षद के साथ डेविड कैमरा मैन की पिटाई करता है, जिसने जो है अदालत में झूठा बयान दिया था, जिसके कारण उसे जो है निलंबित के आदेश दिए गए थे। वह जाने से पहले सदा और गिरि को मारने का फैसला करता है और इसे जो एक यानी कि मुठभेड़ के रूप में दिखाने की योजना बना रहा होता है। वहीं पे उन दोनों को गोली मार दी जाती है, जहाँ पे ये दिखाया जाता है कि जैसे उसने जो आत्मरक्षा के कार्य में उन्हें मार डाला था। सिम्बा के यानी कि एनकाउंटर पर सवाल उठाने वाली जो है राज्य की ओर से एक जो है कि SIT कमेटी का गठन किया जाता है, जहाँ पे स्थिति में स्पष्ट प्राप्त करने के उद्देश्य से जो है यानी कि विनायक आकृति के मामले को संभालने के लिए एक जो है कि तटस्थ के साझे अधिकारी की नियुक्त जो है करता है, जहाँ पे साथ ही साथ सिम्बा की विवाद दफा इन मुठभेड़ में शामिल किया जाता है। ये सब कुछ देखने के बाद क्रोधित होकर दुर्वा उसके जो है गुंडों ने सिम्बा पर कब्जा कर लिया, जहां पे अचानक जो है DCP बाजीराव सिंघम उसे बचाने पहुंच जाते हैं। दोनों ने दुर्वा और उसके जो है आदमियों की पिटाई कर दी। सिंघम सिम्बा को बताते हैं कि वो अपने मामलों को संभालने के लिए राज्य समिति द्वारा नियुक्त जो है तटस्थ के साथ अधिकारी है। वह बयान देते हैं कि सिम्बा ने आत्मरक्षा के कार्य में सदा शिव के साथ और साथी गौरव को मार डाला था। वह दुर्वा की माँ जो है भारती और साथी पत्नी वर्षा को भी बुलाता है, जो कि प्रत्येक कहते हैं कि यह सदा है और गौरी के साथ जो है गिरी हुई थी, जहाँ पे जिन्होंने आकृति पर हमला किया था और भाइयों ने एक जो है ड्रग रैकेट और कई जो अन्य अवैध जो है गतिविधियों को चलाता था। इन्हीं अपराधों के खिलाफ जो है यानी कि फ्लैशटॉक के साथ जो है रुपया के साथ इंसाफी न्यायालय में धारा 7 वर्ष के कठोर जो है कारावास की सजा सुनाई जाती है। सिंघम ने खुलासा किया कि उसने अपने भ्रष्ट कार्यों के खिलाफ होने के बावजूद जो है सिम्बा की मदद की, ताकि वह उन यानी कि पुरुषों के मन में कानून का डर पैदा कर सके जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। जब सिंघम जो है मीरामार पुलिस स्टेशन से निकलता है तो वह DCP वीर सूर्यवंशी के वंशी से फोन पर बात करता है और साथ ही ATS के साथ जो प्रमुख के रूप में उनके नए पद पर उन्हें जो है बधाई भी देता है, जहाँ पे सूर्यवंशी उससे कहते हैं कि वो जल्द ही उससे मिलेंगे। बता दें दोस्तों, ये तेलुगु भाषा की फिल्म टेम्पर मूवी 2015 की रीमेक मूवी बनाई गई थी, जहाँ पे शेट्टी ने कहा था कि हम टेम्पर से 4-5 दृश्यों को लेना चाहते थे, लेकिन सोचा कि अधिकार जो है खरीदना बेहतर होगा। फिल्म का अनुमानित जो है उत्पादन बजट 80 करोड़ रखे गए थे, जो यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 10 मिलियन के बजट पे इस फिल्म को बनाया गया था। सिम्बा मूवी के लिए प्रदान फोटोग्राफी जून 2018 में शुरू हुई। ये मुख्य रूप से गोवा और साथ ही कोल्हापुर में फिल्माया गया था। हैदराबाद में कुछ जो है फिल्मांकन और मुंबई के महबूब स्टूडियो में अतिरिक्त जो है दृश्यों को फिल्माया गया था, जो 29 जून 2018 को चलक दल ने हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में सिम्बा मूवी के लिए आला रे
आला सिम्बा आला गीत को फिल्माया गया था, जहाँ पे इंस्टाग्राम पर सिंह ने बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन को नोट किया था और कहा था कि उनके करियर का सबसे बड़ा गाना था। बता दें दोस्तों, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं सिम्बा फिल्म को, तो इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ इस मूवी से जुड़े अननोन फैक्ट को भी बता रहे हैं और मूवी की रिव्यू रेटिंग के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग सिम्बा फिल्म को देख चुके हो तो आप इस मूवी को कितना रिव्यू रेटिंग देना चाहते हैं, प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। खान की पहली फिल्म के बाद जो है केदारनाथ के निर्माण के आसपास के कानूनी मुद्दों ने सिम्बा मूवी के उत्पादन में हस्तक्षेप किया था, जहाँ पे सारा अली खान लगभग जो है एक ही समय में दो फिल्मों की शूटिंग करने वाली एक अभिनेत्री इंसाफी मुकदमे के और साथी केदारनाथ मूवी के निर्माण को बंद कर दिया और खान ने सिम्बा पर काम करने के लिए समय अवंति किया। साथ ही साथ आपको बता दें, केदारनाथ के निर्देशक जो है अभिषेक कपूर ने खान पर जो है मुकदमा दायर किया क्योंकि उनकी फिल्म में देरी होगी और यह अब जो है खान की शुरुआत नहीं होगी। जब खान ने दोनों फिल्मों के बीच जो है अपना जो है समय बांटने के लिए सहमति व्यक्त की तो दोनों ही अदालत से बाहर हो गए। अक्टूबर 2018 में मुख्य अभिनेता सिंह और साथ ही खान जो है फिल्म के लिए एक गाने के साथ जो है सीक्वेंस को फिल्माने के लिए स्विट्जरलैंड के लिए रवाना हुए थे, जहाँ पे अक्टूबर के अंत तक जो है दल एक दूसरे गीत के साथ जो आँख मारे के शूटिंग के लिए मुंबई लौट आए थे, जो 90 के दशक के एक जोहन की क्लासिक गीत का रिमेक बनाया गया था। क्योंकि सिंह की शादी नवंबर 2018 में होगी, वहीं पे सेट्टी ने शादी की तारीख से पहले ही ज़्यादातर प्रमुख देशों की शूटिंग की थी। अपने शादी के बाद जो है केवल अंतिम जो है सीक्वेंस फिल्माने के लिए बचाया गया था। सिंह के लिए एक जो है डबल का इस्तेमाल गोवा में एक जो है ढाबा के साथ जो है फाइट सीन के पैच वर्क को पूरा करने के लिए किया गया था, क्योंकि विभिन्न कैमरा और साथ ही कोनों का उपयोग किया गया था ताकि उनके साथ जो है डबल सिंह के सामने हो। और दिसंबर 2018 की शुरुआत में फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली गई थी। इसी तरह बता दें दोस्तों, सिम्बा फिल्म को 27 दिसंबर 2018 को खाली सहयोग जो है परिषदत के देशों में जारी किया गया था। इसे भारत और अन्य देशों में 28 दिसंबर को जारी किया गया था। इसे भारत में 4020 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था और वहीं पे विदेशों में फिल्म को 963 स्क्रीन पर दिखाया गया था। विश्वव्यापी के स्क्रीन के लिए कुल मिला के 4983 स्क्रीन पूरे हुए थे, जहाँ पे 6 जून 2018 को निर्माता ने अभिनेता सिंह और खान के साथ जो है निर्देशक शेट्टी और निर्माता जौहर की एक स्किट के साथ जो वीडियो के साथ मुख्य फोटोग्राफी शुरू की थी। वहीं पे 6 दिसंबर 2018 को फिल्म का पहला गाना आंख मारे शीर्षक से जारी किया गया था, जो 1996 की हिट फिल्म तेरे मेरे सपने के मूल गीत का रिमेक बनाया गया था। इसे कुमार सानू ने गाया था, जिन्होंने कविता कृष्णामूर्ति के साथ मूल भी गाया था और मीका सिंह के साथ जो है नेहा कक्कड़ ने इस गाने को दोबारा गाया और अभिनेता जो है अर्शद वारसी, जिनकी जो है फिल्म और गीत की जो है शुरुआत मूल के साथ थी, सिम्बा मूवी के रीमेक के लिए वीडियो में फिर से जो है दिखाई दिए थे। साथ ही साथ आपको बता दें, निर्देशक जो है रोहित शेट्टी की एक अन्य फिल्म जो है इनकी गोलमाल कुणाल खेमू के साथ जो है सीरियस तलपरे और तुषार कपूर के कई जो है इनके अभिनेताओं के साथ जो है रीमेक के लिए रिलीज की तारीख को विशेष रूप से मूल 22 साल पहले 6 दिसंबर 1996 के रिलीज की तारीख के साथ जो है मेल खाने के लिए चुना गया था। आपको बता दें, इस फिल्म के लिए खलीज टाइम्स की अंबिका सिंह ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए और संक्षेप में कहा था कि यदि आप जो है यानी कि साल के अंत में एक पूरी तरह से मसाला और पैसा वसूल फिल्म की तलाश में है तो आप जो है यानी कि सिम्बा मूवी को देख सकते हैं, जहाँ पे ये मूवी जो है काफ़ी अच्छी बन जाती है और मेलोड्रामेटिक मूवी जो ओवर द टॉप के साथ जो फिल्म निश्चित रूप से आपको जो ऊंचाइयों पर ले जाएगी। बता दें दोस्तों, बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने इसे 5 में से 4 सितारों के साथ विजेता घोषित करते हुए लिखा। रोहित शेट्टी ने टेंपर मूवी से सार के साथ जो है उधार लिया था, लेकिन उस फिल्म के एक बड़े हिस्से को और साथ ही जो है इनके संशोधित करता है, जहाँ पे अंततः स्क्रीन पर जो यानी कि सामने आते हैं वहीं पर बहुत अलग हो जाते हैं, एक में सकारात्मक तरीका मिल जाता है। यहाँ पे बिजनेस टुडे की साथ ही अन्वेषा जो है की मधु काल्या ने लिखा है कि यह जो है वास्तव में युवा स्टार के साथ ही प्रशंसकों के खुशी का समय है, क्योंकि सिम्बा मूवी ने बड़ी जो है इनकी लीग में रणबीर सिंह के आने की घोषणा कर दी थी। क्योंकि सिम्बा मूवी जब शूटिंग हो रही थी तो दर्शकों को लग रहा था कि ये फिल्म वाकई में काफ़ी अच्छा काम करेगा और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक धमाका बन के उभरी, जो मूवी साल 2000
2018 की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता मूवी थी। दोस्तों बतलाएंगे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में भी, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बतलाइएगा। साथ ही साथ दोस्तों फिल्म को द टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए लिखते हुए रौनक कोटेचा ने इसे 5 में से 3.5 स्टार का दर्जा दिया और फिल्म को एक ऐसा जो है कि यानी कि पोर्ट बरल कहा, जिसके जो है आप उम्मीद करते हैं जहाँ पे अच्छा निश्चित रूप से बुरे से अधिक हो जाते हैं। साथ ही इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स के संपूर्ण के साथ जो है सरकार ने भी इसे 5 में से 3.5 स्टार देते हुए लिखा है कि सिम्बा एक पूर्ण जो है मसाला एंटरटेनर फिल्म है जो जो संवादों को हास्य दिल को छू लेने वाली भावनाओं और साथ ही उच्च जो है कि ऑकटेल के साथ एक्शन से भरी हुई फिल्म है। इसमें तर्क ये है कि विभिन्न यानी कि स्तरों पर, लेकिन ये मूवी मनोरंजन करता है और आपको काफ़ी अच्छा एक्शन फिल्म से प्रोवाइड करता है। इसी तरह बताएं दोस्तों सिम्बा मूवी को इकोनॉमिक टाइम्स के एक आलोचक ने सहमति व्यक्त की थी और इसे 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग भी दी, लेकिन महसूस किया कि वह जो है फिल्म दूसरे हाफ में एक यानी कि उपेदक्ष मूवी हो जाते हैं जहाँ पे कथा का अनुमान जो है यानी कि लगाया जा सकता है। हिंदुस्तान टाइम्स के लिए लेखक राजा सेन ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार का मूल्यांकन किया, ये लिखते हुए कि ये मूवी खड़ा फिल्म है, सिम्बा न केवल सिंघम मूवी से आगे है बल्कि दबंग से कहीं जो है बेहतर फिल्म हो सकती है। शैली को परिभाषित करने वाली ब्लॉकबस्टर मूवी है। उन्होंने भूमिका में लाई गई जो है कि ऊर्जा के लिए सिंह की सराहना की, लेकिन जो है पाया कि खान अपनी जो है भूमिका से प्रतिबंधित थे। न्यूज 18 के राजीव मंशद ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिए। पहली छमाई को एक जो है छिटपुट रूप से मनोरंजन कॉमेडी मूवी के रूप में पाया था, लेकिन दूसरी छमाई को कम जो है कि आनंद नायक फिल्म पाया था। फिल्म वंचित होने के लिए बहुत कुछ छोड़ देती है जहाँ पे, लेकिन एक तारे का पूर्ण यानी कि पुनर्जन्म होता है जहाँ पे मिन के उदय भाटिया ने इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा जो है मंशद के साथ जो है सहमति व्यक्त की थी, लेकिन सिंह को एक जो है यानी कि औषधि अंतर्निहित मिठास के साथ एक चरित्र के कार्डबोर्ड के साथ निर्माण को निभाने के लिए श्रेय दिया गया, जो इसे जो है अजय देवगन के सिंघम मूवी के विनोदी इंसानी मर्दानगी की तुलना में अधिक जो है आकर्षक मूवी बनाता है। वंटिक किया था और केदारनाथ के अवसाथी निर्देशक जो है अभिषेक कपूर ने खान पर जो है मुकदमा दायर किया था क्योंकि ये मूवी उनकी फिल्म में देरी होगी और यह अब यानी कि खान की शुरुआत नहीं होगी। जब खान ने दोनों फिल्मों के बीच जो है अपना समय बांटने के लिए सहमति व्यक्त की तो दोनों अदालत से बाहर हो गए थे। अब अक्टूबर 2018 में मुख्य अभिनेता रणबीर सिंह और साथी खान की फिल्म के लिए एक गाने के साथी सीक्वेंस को फिल्म के लिए एक जो है स्विट्जरलैंड के लिए रवाना किया गया था, जो अक्टूबर के अंत तक जो है दल एक दूसरे गीत जो है आँख मारे को फिल्माने के लिए मुंबई लौट आए थे, जो 90 के दशक के लिए एक जो है यानी कि क्लासिक गीत का रिमेक बनाया गया था। क्योंकि दोस्तों रणबीर सिंह की शादी नवंबर 2018 में होनी थी, जो शेट्टी ने शादी की तारीख से पहले ज़्यादातर प्रमुख दृश्यों की शूटिंग की और शादी के बाद केवल जो है अंतिम दृश्य फिल्माया गया था जहाँ पर जाना बाकी था। गोवा में एक जो है ढाबा लड़ाई के दृश्य के पैच वर्क को पूरा करने के लिए रणबीर सिंह के लिए एक जो है डबल का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि विभिन्न एन साथी कैमरा कोनों का उपयोग किया गया था ताकि डबल सिंह के सामने वो आ सके। दोस्तों दिसंबर 2018 की शुरुआत में फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली गई थी और 2018 में फिल्म को जब रिलीज किया गया सिनेमाघरों में तो रिलीज होने के बाद फिल्म को अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। तो दोस्तों आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को जरूर पसंद आएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बता रहे हैं, तो वीडियो काफ़ी मज़ेदार है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों सिम्बा फिल्म के जितने भी गाने हैं तनिष्क बागची द्वारा रिलीज किए गए हैं, जो कि लिजो जॉर्ज एंड साथ ही डीजे चेतस के साथ फिल्म के गाने को बनाया गया था, जो 27 दिसंबर 2018 को जारी किया गया था। फिल्म के गीत आंख मारे 1986 की मूवी फिल्म तेरे मेरे सपने के गीत से लिया गया था। आंख मारे का रीमेक मूवी है जो कि मूल रूप से बीजू शाहधारा रचित की गई है और आनंद बख्शी द्वारा लिखित की गई थी। कुमार शानू और कविता कृष्णमूर्ति द्वारा फिल्म को गाने को गाया गया है और अरशद वारसी और साथी जो है सिमरन पर चित्रित किया गया है। वारसी सिम्बा संस्करण के संगीत वीडियो में शानू की आवाज़ के साथ एक कैमियो उपस्थिति बनाते हैं।
तनिष्क बागची, एस थमन और साथ ही चंदन जो है सक्सेना धारा पुनियन की प्रस्तुत जो है संगीत के साथ गाने को फिल्म के लिए फिर से बनाया गया था। जो गीत तेरे बिन यानी कि नुसरत फतेह अली खान के 1986 के कव्वाले गीत तेरे बिन नहीं यानी कि लगदा का एक मनोरंजन है, यह दूसरी बार है जबकि गीत को 1999 की फिल्म जो है कच्चे धागे के बाद जो फिर से बनाया गया था, बनाया जा रहा है, जिसका शीर्षक था तेरे बिन नहीं जीना, जिसे यानी कि तेरे बिन नहीं जीना यानी कि जिसे यानी कि लता मंगेशकर ने गाया था और रिमेक को उनके भतीजे राहत यानी फतेह अली खान ने और साथ ही आशीष कौर ने इस फिल्म के गाने को गाया है। दोस्तों फिल्म को 27 दिसंबर 2018 को खाड़ी सहयोग इन परिषद के देशों में सिम्बा जारी किया गया था, जहां पे इसे भारत और अन्य देशों में 28 दिसंबर को जारी किया गया था और इसे भारत में 4020 स्क्रीन पे रिलीज किए गए थे, जहां पे 963 स्क्रीन पर दिखलाया गया था। इन विश्वव्यापी स्क्रीन के लिए कुल जो है 4983 स्क्रीन इस फिल्म को मिले थे। दोस्तों मूवी को 6 जून 2018 को निर्माताओं ने अभिनेता रणबीर सिंह और खान के निर्देशक की शेट्टी और साथ ही निर्माता और जौहर की एक स्क्रिप्ट जो है वीडियो के साथ प्रमुख जो है फोटोग्राफी शुरुआत की घोषणा की थी, जो 6 दिसंबर 2018 को फिल्म का पहला गाना आँख मारे शीर्षक से जारी किया गया था, जो 1986 की फिल्म जो है जो 1986 की हिट फिल्म तेरे मेरे सपने के मूल गीत का रिमेक बनाया गया था। इसे कुमार शानू जिन्होंने गाया है कविता कृष्णमूर्ति के साथ मूल भी यानी कि गाने को गाया गया था। एन मीका सिंह और साथ ही नेहा कक्कड़ ने फिल्म के गाने को गाए हैं और अभिनेता अरशद वारसी जिनकी जो है फिल्म और गीत की शुरुआत जो है मूल से की गई थी और साथ ही सिम्बा रिमेक के लिए वीडियो में फिर से दिखाई दिए हैं और साथ ही साथ फिल्म के निर्देशक रोहित शेट्टी की एक और फिल्म के कई जो है अभिनेताओं के साथ जो है साथ ही गोलमाल एंड कुणाल खेमू के साथ जो है शीर्ष स्थल पर है और तुषार कपूर रिमेक के लिए रिलीज की तारीख को विशेष रूप से मूल 22 साल पहले 6 दिसंबर 1986 की रिलीज की तारीख के साथ जो है इस फिल्म के मेल खाने के लिए चुना गया था। बता दें दोस्तों वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं सिम्बा फिल्म को, जिसे 2018 में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। तो दोस्तों अगर आप लोग इस फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये फिल्म अभी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर हाजिर हुए हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। बता दें दोस्तों हमारे YouTube चैनल पे आपको मूवी रिव्यू, मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं रणबीर सिंह की ब्लॉकबस्टर मूवी जिसका नाम है सिम्बा। तो दोस्तों सिम्बा मूवी की बारे में हम बात करते हो, इस फिल्म को खलीज टाइम की अबिंका सीन ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए हैं और संक्षेप में कहा है कि अगर आप साल के अंत में एक पूरी तरह से मसाला मूवी एंड साथ ही पैसा वसूल फिल्म की तलाश में है तो इस फिल्म को आप देख सकते हैं। दोस्तों सिम्बा फिल्म पूरी तरह से 2018 की मसाला फिल्म है, क्योंकि पैसा वसूल भी इस फिल्म को कहा जाता है। जो हम आपको सिम्बा देखने की सलाह देते हैं एंड मेलोड्रामिक जो है ओवर द टॉप फिल्म जो है निश्चित रूप से आपको यानी कि ऊंचाइयों पर ले जाएगी। बता दें दोस्तों बॉलीवुड के हंगामा तरुण आदर्श ने इसे 5 में से 4 सितारों की रेटिंग दिया है और विजेता घोषित करते हुए लिखा है रोहित शेट्टी ने टेम्पर से आर के साथ जो है यानी कि उधार लिया है, लेकिन उस फिल्म के एक बड़े हिस्से को संघोषित करते हुए नजर आए हैं। अंततः स्क्रीन पर जो कि सामने आते हैं वो बहुत अलग होते हैं। एक में सकारात्मक तरीका है जिसके साथ जो है इनकी बिजनेस टूडे की साथी अन वेसा एन साथी मधु कालिया ने लिखा है कि यह वास्तव में यानी कि युवा स्टार के प्रशंसकों के लिए खुशी का समय है, क्योंकि सिम्बा मूवी ने रणबीर सिंह के बड़े यानी कि लीग में आने की घोषणा की है। दोस्तों फिल्म को द टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए लेखन और साथ ही रौनक कोटेचा ने इसे 5 में से 3.5 की रेटिंग दिया और लिखा है और फिल्म को एक जो है कि पोर्ट वायरल के रूप में कहा, जिसकी आप यानी कि उम्मीद करते हैं जहाँ पे अच्छा निश्चित रूप से बुरे अधिक है और इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स के साथ ही उनके साथ जो है सुपरनो सरकार ने भी फिल्म के इसे 5 में से 3.5 स्टार देते हुए लिखा है कि सिम्बा मूवी एक पूर्ण मसाला एंटरटेनर फिल्म है जो अच्छे संवादों के साथ जो है हास्य दिल को छू लेने वाले भावनाओं और उच्च यानी कि साथ ही ऑक्टेन के साथ जो एक्शन से भरी हुई फिल्म है और इसमें तर्क का अभाव रखी गई है और साथ ही विभिन्न स्तरों पर इस फिल्म के लिए लेकिन मनोरंजन करना काफ़ी बंद कर दी गई है। दोस्तों फिल्म के लिए इकोनॉमिक टाइम्स के एक जो है आलोचक ने कहा था
सहमति व्यक्त की थी कि इसे 5 में से 3.5 सितारों की रेटिंग दी गई है, लेकिन महसूस किया है कि वह फिल्म जो है दूसरे भाग में एक यानी कि उनके साथ उपेक्षा यानी कि उपेदा शात्मक मोड लेती है और कथा का अनुमान भी लगाया जा सकता है। दोस्तों हिंदुस्तान टाइम्स के लिए लेखन राजा सेन ने इस फिल्म को 5 में से 3 सितारों का मूल्यांकन किया है और लिखते हुए उन्होंने लिखा है कि ये मूवी खड़ा है सिम्बा न केवल यानी कि सिंघम में आगे मूवी है बल्कि दबंग से कहीं बेहतर फिल्म है जो कि शौली को परिभाषित करने वाली ब्लॉकबस्टर फिल्म है। उन्होंने भूमिका में लाई गई ऊर्जा के लिए रणबीर सिंह की सराहना की, लेकिन पाया कि इस फिल्म के लिए खान अपनी यानी कि भूमिका से प्रतिबंधित थे। न्यूज 18 के राजीव मंसद ने भी फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दिए और पहली छमाई को एक जो है कि छिटपुट शुरू से बताया और मनोरंजन फिल्म कॉमेडी के रूप में पाया, लेकिन दूसरी छमाई को कम जो है कहा था और आनंदमय बताया है और फिल्म वांछित होने के लिए बहुत कुछ छोड़ दी है। दोस्तों लेकिन एक जो है तारे का पुनर्जन्म होता है और मिंट के उदय भाटिया ने मंसद के साथ जो है सहमति व्यक्त की है, लेकिन रणबीर सिंह को एक जो है यानी कि अंत निर्हित मूवी एंड मिठास के साथ एक जो है चरित्र के साथ ही कार्डबोर्ड निर्माण को भी निभाने के लिए श्रेय दिया गया है, जो कि इसे यानी कि अजय देवगन की सिंघम मूवी की विनोद एंड साथी उनके साथ जो है मर्दानगी की तुलना में अधिक जो है यानी कि आकर्षक बनाई गई है। बता दें दोस्तों वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे सिम्बा फिल्म को जिसे 2018 में रिलीज किया गया था। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे इस मूवी की टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। बता दें दोस्तों मैं जिस मूवी को रिव्यू करता हूँ उस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जरूर बतलाता हूँ। तो इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं रणबीर सिंह की ब्लॉकबस्टर मूवी जिसका नाम है सिम्बा। दोस्तों फिल्म के लिए बॉलीवुड हंगामा पर प्रस्तुत की गई फिल्म के शुरुआती हफ्ते के लिए बॉक्स ऑफिस संग्रह के आंकड़े हैं। पहले दिन इस फिल्म ने भारत में 20.72 करोड़ की कमाई की, जिसने जो है इसे 2018 तक की रणबीर सिंह की सबसे ज्यादा ओपनिंग वाली फिल्म बना दिया। दूसरे दिन फिल्म ने 23.33 करोड़ से अधिक की कमाई किया और फिल्म ने 31.6 करोड़ का शुद्ध संग्रह किया था और कुल पहले हफ्ते के कलेक्शन के बारे में हम बात करें तो फिल्म ने 75.11 करोड़ से अधिक की कमाई की थी। तो दोस्तों शुरुआती हफ्ता में अखिल भारतीय संग्रह पर फिल्म ने 150.81 करोड़ की कमाई किया था, जिसने जो है इस फिल्म को हिट घोषित बना दिया था। अपने दूसरे हफ्ते में 8वें दिन घरेलू संग्रह पर फिल्म ने 9.2 करोड़ से अधिक की कमाई किया था। 9वें दिन की कलेक्शन के बारे में हम बात करें तो फिल्म ने 9वें दिन 13.32 करोड़ से अधिक की कमाई कर लिया था और 10वें दिन की कलेक्शन के बारे में हम बात करें तो फिल्म ने 10वें दिन 17.49 करोड़ से अधिक की कमाई किया था और कुल इस फिल्म के 2 हफ्ते के कलेक्शन के बारे में हम बात करें तो फिल्म ने दूसरे हफ्ते में 61.62 करोड़ से अधिक की कमाई कर लिया था और फिल्म ने कुल सकल संग्रह के बारे में हम बात करें तो 308.9 करोड़ से अधिक की कमाई किया था और ये रोहित शेट्टी की सबसे बड़ी हिट मूवी बन गई थी क्योंकि इसने चेन्नई एक्सप्रेस के आजीवन इन व्यवसाय को पीछे छोड़ दिया। दोस्तों बॉलीवुड हंगामे के अनुमान के अनुसार फिल्म ने विदेशी बाजारों में 92.10 करोड़ से अधिक की कमाई किया था, जो यूएसए में कन्वर्ट करते तो 12 मिलियन की कमाई की थी और फिल्म ने दुनिया भर में सकल संग्रह 400.19 करोड़ से अधिक की कमाई किया है, जो यूएसए में कन्वर्ट करते तो 53 मिलियन से अधिक की कमाई की है और ये मूवी 2018 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। दोस्तों पाकिस्तान में फिल्म ने अपने 5वें हफ्ते तक जो 19 करोड़ से अधिक की संग्रह किया था और ये मूवी साथ ही एसमेंसिंग सिम्बा फिल्म पर आधारित एक जो है एनिमेटेड एंड टेलीविजन श्रृंखला पोगो ट्यूब पर 14 नवंबर 2020 को जारी की गई थी। बता दें दोस्तों वीडियो में एक्सप्लेन कर रहे हैं रणबीर सिंह की ब्लॉकबस्टर मूवी जिसका नाम है सिम्बा। तो चलिए दोस्तों सिम्बा मूवी की हम यहाँ से बात करते हैं कहानी के बारे में। बता दें दोस्तों मैं जिस मूवी को रिव्यू करता हूँ उस फिल्म की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जरूर बतलाता हूँ। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं सिम्बा मूवी की कहानी के बारे में। तो फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है सिम्बा से, जो कि भाले राव का नाम है फिल्म के अंदर, और शिवगढ़ का एक बच्चा है, अनाथ है, वही शहर पे जहाँ पे बाजीराव सिंघम का जन्म हुआ था, पालन पोषण हुआ था। वह देखते हैं कि कैसे पुलिसकर्मी रिश्वत के रूप में पैसा कमाते हैं, खुद को पुलिस अधिकारी बनने के लिए प्रेरित करते हैं और सफल हो जाते हैं। कुछ स्थानीय चोरों और एक जो है यानी जौहरी से रिश्वत लेते हुए सिम्बा एक भ्रष्ट पुलिस वाले की जीवन शैली का आनंद लेते हैं और उसका पूरा फायदा उठाते हैं। बता दें दोस्तों उसे जल्द ही यानी कि गृह मंत्री एन विनायक दत्ताधारा साथी मीरा
मीरामार पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां पे वह यानी कि शगुन साटे सारा अली खान को देखता है और पहली नज़र में उससे प्यार करता है। बता दें दोस्तों, वह अपने साथी पुलिस कर्मियों से मिलता है और उसका एक जो है जूनियर और साथी नित्यानंद के साथ जो है मोहिले जो एक जो है ईमानदार इंसानी कॉन्स्टेबल है, जहाँ पर सिम्बा को सलाम करने से हिचकिचाते हैं क्योंकि वह एक भ्रष्ट पुलिस वाला है। और साथ ही मीरामार में अपनी जो है योग्यता साबित करने के लिए वह यानी कि दुरिया एंड साथी यशवंत यानी कि रनाडे और सोनू सूद के भाइयों के साथ जो यानी कि सदाशिव एंड साथी रनाडे और गैरव के साथ जो है गिरी रनाडे के साथ नामक जो है अपराधी धारा चलाए जा रहे होते हैं, एक पॉप के साथ जो है पार्टी को बाधित करते हैं और उनसे अधिक जो है पैसे की मांग करते हैं, जबकि वादा करता है कि वह उन्हें उनकी अवैध और साथी गतिविधियों को जारी रखने देंगे। साथ ही दुर्वा एन सहमत हो जाते हैं और सिम्बा का उपयोग जो है यानी कि वामन राव और साथी नामक जो है एक बूढ़े व्यक्ति की भूमि को मुक्त करने के लिए करते हैं, जिसे जो है सिम्बा धारा कागजात पर यानी कि हस्ताक्षर करने के लिए साइन करने के लिए मजबूर किया जाता है। इसी बीच सिम्बा कई जो है महिलाओं और लड़कियों के साथ जो है मात्रा और बहन के बंधन को एन विकसित करते हैं, जहाँ पे जिनमें से एक यानी कि आर्कृति के साथ जो है दबे होते हैं। फिल्म के अंदर सिम्बा का जो किरदार दिखाया गया है पहले भ्रष्ट पुलिस वाला होता है और साथ ही आर्कृति ने सदा और गिरी के खिलाफ अपने पब में अवैध का ड्रग का कारोबार करने और बच्चों को पकड़ने के रूप में इस्तेमाल किया था, क्योंकि शिकायत दर्ज किया गया था कि ध्रुवाधारा संगीत की गई और शांति के लिए जाने के बाद शुरू में इस पर जो है ध्यान नहीं देता है और इसी बीच शगुन को उससे प्यार हो जाता है और इसी बीच आकृति को केवल जो है कि क्लब में ड्रग और साथ ही रैकेट के बारे में पता चल जाता है और एक रात छोटू का साथ वहां पे जाती है, जो कि एक मुख्य यानी कि लड़का है जो उसका छात्र है और वह पुलिस को सबूत देने के लिए अपने जो है सेल फोन से वहाँ की कुछ तस्वीर और कुछ जो है वीडियो टेप कर लेता है, लेकिन सदा और गिरिधारा पकड़ लिया जाता है और छोटू चतुराई से सदा और साथी गिरि को पर जो है इनकी हमला करते हुए रिकॉर्ड करता है और दोनों को पता चलने पर वह वहां से भाग निकलते हैं। दोस्तों उसके बाद आर्कृति ने सदा और गिरी के खिलाफ अपने पब में अवैध ड्रग का कारोबार करने और बच्चों को पकड़ने के रूप में इस्तेमाल करने के लिए शिकायत दर्ज की थी, क्योंकि दुर्वा धारा जो है यानी कि शांत किए जाने के बाद सिम्बा शुरू में इस पर जो है ध्यान नहीं देती है और इसी बीच जो है शगुन को उससे प्यार हो जाता है। इसी बीच जो है आकृति को क्लब में ड्रग रैकेट के बारे में पता चल जाता है और एक रात छोटू के साथ वहां पे जाता है, जो कि एक मूक लड़का है जो उसका छात्र, और वहीं पे पुलिस को सबूत दिखाने के लिए अपने सेल फोन में कुछ वीडियो और कुछ फोटोग्राफ जो है डायर कर लेते हैं और इन सब चीजों के बारे में उसे पता चल जाता है और उनको पकड़ लिया जाता है। साथ ही आकृति पर हमला करते हुए रिकॉर्ड करते हैं और दोनों को वहां पे पता चल जाता है और वहां से भाग निकलते हैं। आकृति के साथ जो है सदा और गिरी बेरहमी से बलात्कार करते हैं और छोटू आकृति की दोस्त काव्या को आकृति के खतरे में होने के बारे में बताने की कोशिश करता है और दुर्वा के गुंडे धारा जो है यानी कि काव्या का पीछा करते हुए आकृति की साथी जो है यानी कि गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करने के लिए वहाँ पर सिम्बा जाते हैं और आकृति अस्पताल में घायल हो गई है और सिम्बा उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह मर जाती है, जिससे वह यानी कि तबाही हो जाता है और पुलिस यानी कि आकृति का फोन और उसके धारा यानी कि शूट किए गए वीडियो को बरामद कर लेती है और दुर्वा अपने गुंडों को सिम्बा से फोन लेने के लिए भेजता है, जो वहाँ मौजूद होता है और अपने तरीके से सुधारता है सिम्बा और उन सभी से लड़ता है और सिम्बा अंत में अपनी पुलिस की वर्दी जो है यानी कि पहनते हैं और इसमें जो है इसी बदलाव को देखकर जो है कि मोहिले आखिरकार उसे सलाम करता है क्योंकि वह सदा और गिरी को गिरफ्तार करते हैं और वह उनके साथ जो है बामन राव से माफ़ी मांगता है और यह स्वीकार करते हुए कि वह एक नायक जो है कि बन गया है, क्योंकि उसके पास सही और यानी कि गलत के माध्यम से साथी मार्गदर्शन मिल गया है और मार्गदर्शन करने के लिए
पता नहीं था और उससे ठगी गई यानी कि ज़मीन लौटाता है और कोर्ट में आकृति का वीडियो भी डिलीट होते देख सकता है और सिम्बा हैरान रह जाता है कि वह यानी कि दुर्वा के दोस्त यानी कि पार्षद डेविड के साथ जो है यानी कि कैमरॉन की पिटाई करता है और जिसमें जो है अदालत में झूठा बयान दिया गया था जिसके कारण उसे जो है निलंबित के आदेश दिए गए थे और वह जाने से पहले सदा और गिरी को मारने का फैसला करता है और इसे एक जो है मुठभेड़ के रूप में दिखाने की योजना बना रहा होता है और वह उन दोनों को गोली मारता है और दिखाता है कि जैसे उसने जो है कि आत्मरक्षा के कार्य में उन्हें मार डाला था और सिम्बा के एनकाउंटर पर उनके साथ सवाल उठाने वाले राज्य की ओर से एक जो है कि SIT के साथ जो है कमेटी का गठन किया है और इस स्थिति में उनके साथ जो स्पष्टता के साथ हासिल करने के लिए उद्देश्य से साथी विनायक एन साथी आर कृति के मामले को संभालने के लिए एक जो है कि उनके साथ जो है कि तटस्थ के साथ जो अधिकारी की साथी नियुक्ति करता है और साथ ही साथ सिम्बा की यानी कि विवादास्पद मुठभेड़ में मिल जाता है। दोस्तों वहां से सिम्बा क्रोधित होकर दुर्वा और उसके गुंडे ने सिम्बा को पकड़ लिया था। अचानक जो है DCP बाजीराव सिंघम उनके बचाव में आते हैं और उन दोनों ने दुर्वा और उनके जो है आदमियों की पिटाई कर दी और सिंघम सिम्बा को बताते हैं कि वह अपने मामले को संभालने के लिए राज्य समिति द्वारा नियुक्त यानी कि तटस्थ के साथ अधिकारी है और एक जो है बयान देते हैं कि सिम्बा ने आत्मरक्षा के कार्य में सदाशिव और साथी गौरव को मार डाला था और वह दुर्गा की माँ जो है भारती और पत्नी वर्षों की भी यानी कि बुलाते हैं जो कि प्रत्येक करते हैं कि यह जो है इनकी सदाशिव और गौरव थे जिन्होंने आकृति के साथ जो है बलात्कार किया था और भाइयों ने एक जो है इनकी ड्रग रैकेट को चलाते हैं और कई अन्य जो आपराधिक जो है इनकी गतिविधियों को चलाया था और इन अपराधों के परिणाम स्वरूप जो है दुर्वा को अदालत ने 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और सिंघम ने खुलासा किया कि उसने जो है अपने यानी कि भ्रष्ट कार्यों के खिलाफ होने के बावजूद भी सिम्बा की मदद की ताकि वह उन यानी कि पुरुषों के मन में कानून का डर पैदा कर सके जो कि महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। जैसे ही सिंघम इन साथी मीरा मार पुलिस स्टेशन छोड़ते हैं वह DCP बीर यानी कि सूर्यवंशी से बात करना शुरू कर देते हैं और सिंघम ने उन्हें आतंकवाद विरोधी दस्ते के प्रमुख के रूप में उनके नए पद पर जो है बधाई दी थी और सूर्यवंशी ने उन्हें बताया कि वह जल्द ही उनसे मिलेंगे। बता दें दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं बॉलीवुड की सुपरस्टार रणबीर सिंह की ब्लॉकबस्टर मूवी जिसका नाम है सिम्बा। तो दोस्तों अगर आप भी सिम्बा फिल्म को यूट्यूब पर हिंदी डब में देखना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बता दें दोस्तों सबसे पहले तेलुगु भाषा की फिल्म टेंपर मूवी 2015 की रीमेक बनाई गई है। शेट्टी ने कहा था कि हम टेंपर से 4-5 दृश्यों को लेना चाहते थे लेकिन सोचा था कि वह अधिकार खरीदना बेहतर होगा और फिल्म का अनुमानित जो उत्पादन बजट जो 80 करोड़ बतलाया गया है जो यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 10 मिलियन में इस फिल्म को बनाई गई है और सिम्बा फिल्म के लिए प्रधान फोटोग्राफी जून 2018 में शुरू हुई और यह मुख्य रूप से गोवा और साथी कोल्हापुर में फिल्माया गया था और हैदराबाद में कुछ फिल्मांकन और मुंबई में महबूब स्टूडियो में अतिरिक्त दृश्यों को फिल्माया गया था जो 29 जून 2018 को चालक दल ने हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में सिम्बा मूवी के लिए आला रे आला सिम्बा और आला गीत को फिल्माया था जिसे इंस्टाग्राम पर रणबीर सिंह ने बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन को नोट किया था और कहा था कि यह उनके करियर का सबसे बड़ा गाना था। बता दें दोस्तों खान की पहली फिल्म यानी कि केदारनाथ के निर्माण के आसपास के कानूनी मुद्दों ने सिम्बा फिल्म के उत्पादन में हस्तक्षेप किया था और जहां पे खान जो है कि लगभग एक ही समय में दोनों फिल्मों की शूटिंग करने वाले थे एक यानी कि मुकदमे में और साथ ही केदारनाथ फिल्म के निर्माण को बंद कर दिया था और सलमान खान ने सिम्बा पर काम करने के लिए समय जो है इनके आवंटित किया था लेकिन केदारनाथ के निर्देशन एन अभिषेक कपूर ने खान पर जो है मुकदमा दायर किया था क्योंकि उनकी फिल्म में देरी होगी और यह अब यानी कि खान की शुरुआत नहीं होगी। अब जो है खान ने दोनों फिल्मों के बीच अपना जो है समय बांटने के लिए सहमति व्यक्त की थी और दोनों अदालत से बाहर हो गए थे। अक्टूबर 2018 में मुख्य अभिनेता सिंह और साथी खान की फिल्म के लिए एक गाने के सीक्वेंस को फिल्माए इनकी फिल्माने के लिए और साथ ही स्विट्जरलैंड के लिए उनके साथ जो है रवाना हुए थे और अक्टूबर के अंत तक जो है दल एक दूसरे के गीत जो है आंख मारे को फिल्माने के लिए मुंबई लौट आए थे जहां पे 90 के दशक के लिए एक जो है इनकी क्लासिक गीत का रिमेक बनाया गया था। क्योंकि रणबीर सिंह की शादी नवम्बर 2018 में होनी थी और शेट्टी ने शादी की तारीख से पहले ज़्यादातर प्रमुख दृश्यों की शूटिंग कर ली थी और शादी के बाद जो है केवल अंतिम दृश्यों को फिल्माया
जाना बाकी था क्योंकि गोवा में एक यानकी ढाबा लड़ाई के दृश्यों के पैच वर्क को पूरा करने के लिए रणबीर सिंह के लिए एक जो है डबल का इस्तेमाल किया गया था और विभिन्न यानकी कैमरा और कोनों का उपयोग किया गया था ताकि डबल सिंह के सामने यानकी हो सके। दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार रणबीर सिंह की ब्लॉकबस्टर मूवी जिसका नाम है सिम्बा। तो दोस्तों अगर आप भी सिम्बा फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं रणबीर सिंह के बारे में और इनके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने अब तक कितनी फिल्मों में अभिनय किया है। तो चलिए दोस्तों अब हम आपको बताएंगे रणबीर सिंह की रियल लाइफ के बारे में, इनकी जन्म कब हुई थी और इन्होंने सबसे पहले कौन सी फिल्म में अभिनय किया है। यहाँ से हम बात करेंगे रणबीर सिंह के बारे में। बता दें दोस्तों मैं जिस मूवी को रिव्यू करता हूँ उस फिल्म के मुख्य स्टार कास्ट के बारे में आप लोगों को जरूर बताता हूँ। इंडिया यूनिवर्सिटी एंड साथी ब्लू मिश्रक के स्नातक की डिग्री पूरी करने के बाद रणबीर सिंह अभिनय करियर बनाने के लिए भारत लौट आए थे। उन्होंने विज्ञापन में संक्षेप में काम किया और 2010 में यशराज फिल्म की रोमांटिक कॉमेडी बैंड बाजा बारात फिल्म में एक प्रमुख भूमिका के साथ अभिनय की शुरुआत की। फिल्म एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता मूवी के रूप में उभरी जिससे उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। उन्होंने लुटेरा फिल्म 2013 में नाटक फिल्म में एक जो उदासीन चोर की भूमिका निभाने के लिए प्रशंसा प्राप्त की थी और संजय लीला भंसाली के साथ अपने सहयोग से खुद को स्थापित किया था जिसके जो है शुरुआत इंसाती रोमांस जो है गोलियों की रासलीला रामलीला फिल्म से किया गया था। रणबीर सिंह ने भंसाली के पीरियड ड्रामा फिल्म बाजीराव मस्तानी मूवी 2015 की और पद्मावत फिल्म 2018 में करमच जो है बाजीराव प्रथम और अलाउद्दीन खिलजी को चित्रित करने के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त की थी। उन्होंने पूर्व के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार और बाद के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवार्ड अर्जित किए हैं। एक्शन फिल्म सिम्बा मूवी जिसे 2018 के साथ जिसमें जो है उन्होंने शीर्षक चरित्र निभाया था और सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गया था। उन्होंने जोया अख्तर के संगीत नाटक गली बॉय फिल्म 2019 में एक महत्वाकांक्षी यानी कि रैपर की भूमिका निभाने के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का एक और फिल्मफेयर पुरस्कार इनको दिया गया। बता दें दोस्तों अभिनय के अलावा रणबीर सिंह ने टेलीविजन गेम शो द बिग पिक्चर 2021 की और 2022 की मेजबानी की है और कई ब्रांडों और कई उत्पादनों का समर्थन किया है। उन्होंने अपने सह कलाकार दीपिका पादुकोण से शादी की है। तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं रणबीर सिंह के बारे में। तो अगर आप इनके फ़ैन हैं और इनके फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बता दें दोस्तों इस वीडियो में हम इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बता रहे हैं और फिल्म के मुख्य स्टार कास्ट के बारे में भी हम बात कर रहे हैं। बता दें दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मूवी रिव्यू देखने को मिलता है। रणबीर सिंह के जन्म के बारे हम बात करें तो इनका जन्म 6 जुलाई 1985 को हुआ था। 85 को मुंबई शहर में हुआ था। एक सिंधी हिंदू परिवार में अंजू एंड साथी जगजीत सिंह भवनानी के घर में इनका जन्म हुआ था। भारत के विभाजन के दौरान उनके दादा दादी कराची एनसाती सिंह जो है वर्तमान एनसाती पाकिस्तान में बंबई चले गए थे। उनकी एक बड़ी बहन है जिसका नाम जो है रितिका भवनानी रखी गई है। रणबीर सिंह जो है ना कि चांद वर्ग के पोते हैं जो कि अभिनेता अनिल कपूर और उनकी पत्नी सुनीता कपूर की भवनानी की बेटी सोनम कपूर के मामा दूसरे चचेरे भाई है। रणबीर सिंह बताते हैं कि उन्होंने अपना उपनाम जो है भवनानी छोड़ दिया क्योंकि उन्हें लगा कि यह नाम बहुत लंबा और बहुत अधिक शब्द होगा। इसी प्रकार उनके यानी कि ब्रांडों को बिक्री योग्य इन वस्तुओं के रूप में कम कर दिया था। रणबीर सिंह हमेशा एक अभिनेता बनने की ख्वाहिश रखते थे। कई स्कूल नाटकों और कई बार जो है इनकी विवाद में भाग लेते थे। हालांकि मुंबई में HR कॉलेज ऑफ यानी कि कॉमर्स एंड के साथ जो है इकोनॉमिक्स में शामिल होने के बाद रणबीर सिंह ने महसूस किया था कि फिल्म उद्योग में यानी कि ब्रेक प्राप्त करना और आसान नहीं था। यह महसूस करते हुए कि अभिनय का विचार बहुत दूर की यानी कि कौड़ी था और रणबीर सिंह ने रचनात्मक और लेखन पर ध्यान केंद्रित किया था और वह संयुक्त राज्य अमेरिका गए थे जहां पे उन्होंने इंडियन
जहाँ पे उन्होंने इंडियन के साथ विश्वविद्यालय से कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी और विश्वविद्यालय में उन्होंने अभिनय कक्षाएं लेने का फैसला किया था और थिएटर को अपने जहन की नाबालिग के रूप में लिया था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद और 2007 में मुंबई लौटने के बाद रणबीर सिंह ने कुछ वर्षों तक एक कॉपीराइटर के रूप में विज्ञापन में काम किया था और वह एंड के साथ जो है एम और जो कि उनके साथ वाल्टर एसाती एस यानी कि थॉम पंस के साथ जैसे जो है कि एजेंसियों के साथ उन्होंने सहायक निर्देशक के रूप में भी काम किया था, लेकिन अभिनय को आगे बढ़ाने के लिए इसे छोड़ दिया और इसके बाद उन्होंने निर्देशकों को अपने जो है कि पोर्टफोलियो भेजने का फैसला किया था और वह सभी प्रकार के ऑडिशन के लिए जाते थे लेकिन उन्हें कोई भी अच्छा अवसर नहीं मिला, जबकि केवल यानी कि छोटी भूमिकाओं के लिए कॉल आ रहे थे और इसके बाद जो है सब कुछ इतने यानी कि अंधाकरण था और यह बहुत यानी कि निराशाजनक हो चुके थे और कई बार जो है मुझे लगता था कि मैं जो है कि सही काम कर रहा हूँ या नहीं, ऐसे इनके दिल में ख्याल आते थे। तो दोस्तों अभिनय इनके लिए भी आसान नहीं था क्योंकि अभिनय के अंदर करियर बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है और ये बात रणबीर सिंह को खूब पता है क्योंकि इन्होंने पहले शुरुआती दिनों में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था। उसके बाद इनको बैंड बाजा प्रात फिल्म में ब्रेक मिला जहाँ पर इन्होंने एक अच्छी अपनी जो है कलाकारी दिखाई और एक अच्छा प्रदर्शन करते हुए फिल्म को अच्छे रिस्पांस मिले जो कि साल की स्लीपर हिट मूवी साबित हुई जो कि यशराज फिल्म के द्वारा इस मूवीज को बनाया गया था। बता दें दोस्तों साल 2010 में रणबीर सिंह ने मनीष शर्मा की बैंड बाजा बारात फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए ऑडिशन दिया जो प्रोडक्शन कंपनी यशराज फिल्म की एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी। उनके ऑडिशन से प्रभावित होकर निर्माता आदित्य चोपड़ा ने उन्हें जो है अनुष्का शर्मा के साथ भूमिका के लिए कास्ट किया। रणबीर सिंह ने बिट्टू शर्मा की अपनी भूमिका को दिल्ली के एक विशिष्ट लड़के के रूप में वर्णित किया जो भूमिका की तैयारी के लिए उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों के साथ समय बिताया था। साथ ही 15 व्यापार इन पत्रकारों से इस फिल्म की व्यावसायिक अपील के बारे में आपत्तियों के बावजूद जो है फिल्म 18 यह फिल्म जो है कि स्लीपर हिट के रूप में उभरी थी। दोस्तों आपको बता दें अपने साथी पुलिस कर्मियों से मिलता है और उसका एक जूनियर नित्यानंद मोहिले जो एक ईमानदार कॉन्स्टेबल है सिम्बा को सलाम करने से हिचकिचाता है क्योंकि वह एक ब्रज पुलिस वाला है। दोस्तों अब सिम्बा को जल्द ही गृह मंत्री विनायक दत्ता द्वारा गोवा के मीरामार पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया जाता है जहां वह शगुन साठी को देखता है और पहली नजर में उससे प्यार कर लेता है, उससे प्यार हो जाता है उसको। वह अपने साथी पुलिस कर्मियों से मिलता है और उसका एक जूनियर नित्य मोहिले जो एक ईमानदार कॉन्स्टेबल है सिम्बा को सलाम करने से हिचकिचाता है क्योंकि वह एक ब्रज पुलिस वाला है। मीरामार में अपनी योग्यता साबित करने के लिए वो दुर्वा यशवंत रनाटे के भाइयों के साथ सदाशिव सदा रनाटे और गौरव गिरी के साथ जो है नामक एक प्रभावशाली गैंगस्टर द्वारा संचालित किए गए एक पब पार्टी में बाधा डालता है और उनसे अधिक पैसे की मांग करता है जबकि वादा करता है कि वह उन्हें जारी रखने देगा और उनकी अवैध जो है गतिविधियों को चलने देगा। इसके अलावा दुर्वा इस बात से सहमत हो जाता है सिम्बा का उपयोग जो है वामन राव नामक एक बूढ़े व्यक्ति की भूमिका को मुक्त करने के लिए करता है। इसे सिम्बा द्वारा आपको बतला दे कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जाता है। दोस्तों जबरन एक बूढ़े आदमी से हस्तक्षेप करवा लेता है सिम्बा। इसी बीच सिम्बा कई जो है महिलाओं और लड़कियों के साथ जो है मात्रा और बहन के बंधन को विकसित कर लेता है। तो फिल्म के अंदर सिम्बा को अनाथ बताया गया है जिसकी वजह से सिम्बा जो है अपने आप में एक रिश्ता बनाना चाहता है। सिम्बा कई महिलाओं और लड़कियों के साथ मात्रा और बहन के बंधन को विकसित करती है जिसमें जो है एक आकृति डवे होती है जो एक युवा महिला है जो सिम्बा को अपने शिक्षक की याद दिलाती है। आकृति ने सदा और गिरी के खिलाफ अपने पब में अवैध ड्रग का कारोबार करने और साथ ही साथ दोस्तों बच्चों को पेडलर के रूप में इस्तेमाल करने के लिए शिकायत दर्ज की। दुर्वा धारा शांत किए जाने के बाद सिम्बा शुरू में इस पर ध्यान नहीं देता और इसी बीच जो है शगुन को उससे प्यार हो जाता है। दोस्तों सिम्बा का करियर तब बदलता है जब शगुन से उसको प्यार हो जाता है। दोस्तों शगुन से प्यार होने के बाद क्या होता है इसके बारे में हम इसी वीडियो में बतलाएंगे, तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों इसके बाद जो है फिल्म में बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं जो आप
आपने नहीं सुनी होगी। दोस्तों अगर आप इस फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इन अपराधों को सफलतापूर्वक जो है न्यायालय की धारा 7 वर्ष के कठोर जो है कारावास की सजा सुनाई जाती है। दोस्तों सिम्बा ध्यान नहीं देता है आकृति की शिकायत के ऊपर। आकृति को क्लब में ड्रग रैकेट के बारे में पता चलता है और एक रात छोटू के साथ वहाँ जाती है जो एक मूक लड़का है जो उसका छात्र है। वहाँ पे पुलिस को सबूत दिखाने के लिए अपने सेल फोन से वहाँ सब कुछ वीडियो टेप करती है, लेकिन सदा और गिरी धारा पकड़ लिए जाते हैं। छोटू चतुराई से सदा और गिरी को आकृति पर हमला करते हुए रिकॉर्ड कर लेता है वीडियो को और दोनों को पता चलने पर वह वहाँ से भाग निकलते हैं। आकृति को सदा और गिरी ने बेरहमी से मार डाला था। छोटू आकृति की दोस्त यानी काव्या को आकृति के खतरे में होने के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। दुर्वा के गुंडों धारा काव्या का पीछा करते हुए आकृति की आपको बता दें गुमशुदगा की शिकायत दर्ज करने के लिए सिम्बा जाता है। आकृति जो है अस्पताल में घायल पाई जाती है। सिम्बा उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वह मर जाती है जिससे वह तबाह हो जाता है। पुलिस आकृति का फोन आते हैं, उसके द्वारा शूट किए गए वीडियो को बरामद कर लिए जाते हैं और दुर्वा अपने गुंडों को सिम्बा से फोन लेने के लिए भेजता है जो वहां मौजूद है। अपने तरीके के साथ जो है यानी कि सुधारता है और उन सभी से लड़ता है। सिम्बा अंत में अपनी जो है पुलिस की वर्दी पहनता है और उसमें इसी बदलाव को देखकर मोहिले आखिरकार उसे सलाम करता है क्योंकि वह सदा और गिरी को गिरफ्तार करते हैं। वह बामन राव से माफ़ी मांगता है और उससे आपको बताया ठगी गई ज़मीन लौटा देता है। कोर्ट में आकृति का वीडियो डिलीट होते देख सिम्बा हैरान रह जाता है और वह दुर्वा के दोस्त जो है पार्षद के साथ डेविड कैमरिन के साथ पिटाई करता है जिसने अदालत में झूठा बयान दिया था जिसके कारण उसे निलंबन के आदेश दिए गए थे। वह जाने से पहले सदा और गिरी को मारने का फैसला करता है और इसे एक मुठभेड़ के रूप में दिखाने की योजना बनाता है। वह उन दोनों को गोली मारता है और ये दिखाई देते हैं जैसे उसने आत्मरक्षा के कार्य में उन्हें मार डाला था। सिम्बा के एनकाउंटर पर सवाल उठाने वाली राज्य की ओर से एक जो है SIT कमेटी का गठन किया जाता है। स्थिति में स्पष्टता के कारण हासिल करने के उद्देश्य से विनायक आकृति के मामले को संभालने के लिए एक जो है कि तथास्थ के साथ अधिकारी की नियुक्ति करते हैं और साथ ही साथ सिम्बा की विवाद सब मुठभेड़ भी करते हैं। दोस्तों क्रोधित होकर दुर्वा उसके गुंडे ने सिम्बा को पकड़ लिया। अचानक जो है DCP बाजीराव सिंघम उसे बचाने पहुंच जाते हैं और दोनों ने दुर्वा और उसके आदमियों की पिटाई कर दी। सिंघम सिम्बा को बताते हैं कि वह अपने मामले को संभालने के लिए राज्य समीज धारा नियुक्त जो है कि तत्स्थ के साथ अधिकारी है और एक बयान देते हैं कि सिम्बा ने आत्मरक्षा के कार्य में सदाशिव और गौरव को मार डाला। वह दुर्वा की माँ भारती और पत्नी जो है वर्षा को भी बुलाते हैं और दो यानी कि जो प्रत्येक कहते हैं कि ये सदा और गिरी थे जिन्होंने आकृति पर हमला किया था और भाइयों ने एक ड्रग रैकेट और कई जो अन्य यानी कि अवैध गतिविधियां चलाए थे। यहाँ अपने सामने सही सुना। तो दोस्तों इसी तरह फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाए गए हैं। दोस्तों इन अपराधों के सफलतापूर्वक जो है यानी कि दुर्वा और न्यायालय धारा 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई जाती है। सिंघम ने खुलासा किया कि उसने अपने भ्रष्ट कार्यों के खिलाफ होने के बावजूद सिम्बा की मदद की ताकि वह उन पुरुषों के मन में कानून डर पैदा कर सके जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। जबकि सिंघम मीरामार पुलिस स्टेशन से निकल जाते हैं तो वह DCP वीर सूर्यवंशी से फ़ोन पर बात करते हैं और आपको बता दें ATS प्रमुख के रूप में उनके नए पद पर उन्हें बधाई भी देते हैं और सूर्यवंशी उससे कहते हैं कि वह जल्द ही उनसे मिलेंगे। दोस्तों अब आगे बता दें ये तेलुगु भाषा की फिल्म टेंपर मूवी 2015 की रिमेक बनाई गई है। सिटी ने कहा था कि हम टेंपर मूवी से 4-5 दृश्यों लेना चाहते थे लेकिन सोचा कि अधिकारी खरीदना बेहतर होगा। फिल्म का अनुमानित जो है उत्पादन बजट 80 करोड़ बतलाई गई है जो USD में कन्वर्ट की जाए तो 10 मिलियन बतलाए गए हैं। सिम्बा के लिए प्रधान फोटोग्राफी June 2018 में शुरू हुई थी और ये फिल्म मुख्य रूप से गोवा और कोल्हापुर में फिल्माया गया था। हैदराबाद में कुछ जो है फिल्मांकन और मुंबई के महबूब स्टूडियो में अतिरिक्त दृश्यों को फिल्माया गया जो 29 जून 2018 को चलक दल ने हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में सिम्बा आला रे आला सिम्बा आला गीत को फिल्माया था
और इंस्टाग्राम पर रणबीर सिंह ने बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन को नोट किया और कहा था कि ये उनके करियर का सबसे बड़ा गाना था। अब बताएं दोस्तों, खान की पहली फिल्म जो है केदारनाथ के निर्माण के आसपास के कानूनी मुद्दों ने सिम्बा फिल्म के उत्पादन में हस्तक्षेप किया था, जहाँ पे खान जो है लगभग एक ही समय में दो फिल्मों की शूटिंग करने वाले थे। एक जो है मुकदमे ने, और आपको बताया केदारनाथ के निर्माण को बंद कर दिया गया और अभिनेता खान सिम्बा पर काम करने के लिए समय जो है यानी दोस्तों वीडियो के अंत में हम बात कर लेते हैं सिम्बा मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो जैसे दोस्तों मैंने आप लोग को बताया, सिम्बा फिल्म आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है क्योंकि यूट्यूब पर इस फिल्म को किसी भी कंपनी ने अपलोड नहीं किया है। बात करें इस फिल्म के डायरेक्टर के बारे में तो रोहित शेट्टी सर ने फिल्म को डायरेक्ट किया है और फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में हम बात करें तो हीरो यश चौहान, रोहित शेट्टी एंड अपूर्वा मेहता ने मिलकर फिल्म को प्रोड्यूस किए हैं। और वहीं पर बात करें फिल्म के मुख्य स्टार कास्ट के बारे में तो फिल्म में रणबीर सिंह, सोनू सूद, एंसा अली खान फिल्म में सहायक भूमिकाओं में नजर आई हुई है। और बात करें फिल्म की रिलीज डेट के बारे में तो मूवी को 27 दिसंबर 2018 को रिलीज किया गया था। और वहीं पर बात करें मूवी की बजट के बारे में तो 80 करोड़ के बजट में फिल्म को बनाया गया था और फिल्म ने दुनिया भर में 400 करोड़ से अधिक की कमाई किया है। तो दोस्तों साल 2018 की सिम्बा मूवी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी और इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर के दर्जे में रखा गया है। तो दोस्तों आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टिल एंड सी यू सून।